सड़कें बना खराब हो गया यार, जो भी हो लोग कुछ भी कह रहे सड़कें होनी चाहिए साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर शाहिद एंड वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल डॉक्टर्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड पाकिस्तान मेडिकल सिस्टम। सो उसके लिए आज मैंने बुलाया है डाउ यूनिवर्सिटी की दो स्टूडेंट्स को, शिब्रा हमीद एंड खदीजा जमील। सो इनसे इनका डाउ में यूनिवर्सिटी में कैसे हुआ और इनके डाउ की जर्नी के बारे में इनसे पूछते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। सो स्टार्टिंग विद शिब्रा, शिब्रा कैसी जिंदगी कैसी चल रही है पहले तो ये बताएं। अच्छी जा रही है, लाइफ गोइंग गुड। डाउ यूनिवर्सिटी कैसी है? डाउ यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, लाइक जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है। वैसे ही है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था गवर्नमेंट से, कंसीडरिंग आवर गवर्नमेंट सेटअप, सो आई गेस इट्स प्रीटी गुड। तो डाउ में आप लोगों का क्या मेरिट था पहले तो आप अपना, डाउ के कौन से ईयर में अभी फिलहाल आप लोग? अभी हम लोग सेकंड ईयर MBBS में, लाइक अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर MBBS के एग्जाम्स ही हैं एंड देन वी आर नाउ इन सेकंड ईयर MBBS। और आप लोगों का क्या सेमेस्टर है, ये ईयरली सिस्टम है कैसा है? नहीं, माय एनुअल सिस्टम है। एनुअल सिस्टम है? हां एनुअल सिस्टम। सही है। तो डाउ का तो सेमेस्टर नहीं था पहले? पहले सेमेस्टर था, आई गेस रिसेंटली चेंज हुआ है, लास्ट 2 इयर्स आई गेस। हां लास्ट 2 इयर्स में चेंज हुआ है। सही है। तो कैसे गए एग्जाम्स? एग्जाम्स तो अच्छे गए मेरे तो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का क्या मेरिट था उसमें? मेरा लाइक था 263। अच्छा, मेरी ना बहुत एक वो थी, स्टोरी थी कि फर्स्ट माय मेरिट नंबर वाज 263 था उस वक्त, एंड उस टाइम पे आई गॉट माय एडमिशन इन जिन्ना यूनिवर्सिटी, जिन्ना सिंध यूनिवर्सिटी। और इसका तो एडमिशन हो गया था डाउ में, ठीक। आपके क्या मेरिट था? 52 मेरिट नंबर था इनका, तो इनका एडमिशन तो इट वाज लाइक कंफर्म। मेरा था कि नहीं, श्योर था, ठीक है। और डेफिनेटली उस वक्त आई वाज सैड कि बिकॉज इनका हो गया था, मेरा नहीं हुआ था, हम शुरू से साथ ही थे। तो उसके बाद मेरा जिन्ना में एडमिशन हो गया, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई, स्टफ लाइक दैट। उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स आई गॉट कॉल फ्रॉम डाउ। उस वक्त अल्टीमेटली कहता है कि 30 जो ऊपर से स्टूडेंट्स थे वो शायद नहीं थे मेरिट क्या, तो मेरा 263 से डायरेक्ट 236 में चला। तो पहले आपको सेल्फ की ऑफर आई होगी? नहीं, सेल्फ की ऑफर मुझे उस वक्त थी, बट आई वॉज लाइक नहीं, मैंने ओपन मेरिट के साथ जाना है, इसके साथ, जिन्ना के साथ। बिकॉज सीन ये होता है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस कर लेते फिर आपको ओपन मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं रहता। सपोज अगर उस वक्त मैं सेल्फ फाइनेंस डाउ ले लेती तो मुझे शायद ओपन मेरिट की कॉल ना आता। नहीं सर, अगर आपने सेल्फ कर लिया तो आपको सेल्फ फाइनेंस को लेते ना ओपन। नहीं, आज इस दफा जैसे हुआ था ये कि ज़ारा वाला टाइम पे ना लिटरली नाउ से अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट ले लेते हैं डाउ की, देन अगर आपको ओपन मेरिट के लिए इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप उसके लिए। ठीक है, इस साल हुआ, पहले तो नहीं था आई गेस ऐसा। लास्ट ईयर आई थॉट, मुझे उस वक्त मैंने पूछा था ना उनसे, तो फिर दैट इज आई लाइक चलो यार मैं वो ले लेती हूं ओपन मेरिट, उसके साथ चली जाती हूं एसएमसी। अच्छा ऐसा, आई नो जितने लोगों को मैं जानता हूं उनका तो ऐसा था कि अगर वो सेल्फ फाइनेंस अगर किसी ने ले भी लिया है सो दे रिफंड यू योर फीस एंड आपको सेल्फ वालों को पहले ऑफर की जाती है, जनरली ये होता है। आई डोंट नो इस बार क्या शायद आपके साथ ऐसा हुआ। मतलब तो उन्होंने अनाउंस कर क्लियरली कर दिया कि आप ओपन मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, स्टफ लाइक दैट। मेरे टाइम भी होता कि मुझे पहले कॉल आई थी एज कंपेयर टू सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों को, तो हाँ ये भी हुआ था मुझे और आमना को, हम लोग ओपन मेरिट वालों। तो क्या एक मिनट, तो आपको वो नहीं था जैसे कुछ लोगों को होता है ना डाओ का एक क्रेज होता है कि नहीं डाओ में ही जाना है, तो वैसा कोई सीन नहीं था? नहीं मेरा नहीं था, बिकॉज मेरा ये था कि मैंने पहले बताया आई गेस कि मैंने शुरू से अपनी जो प्रीवियस एजुकेशन वो फेडरल बोर्ड से है, तो उस टाइम पे तो यू नो ये PMC वाला हमारा आई गेस पिछला साल ही था जब ये PMC का सारा कुछ हो रहा था कि पता नहीं PMC नहीं बनी है स्टफ लाइक दैट। तो जो उस वक्त टाइम था कि NTS का जो टेस्ट होता था वो सिंध बोर्ड की बुक से आता था, राइट? तो वो तो मैंने वैसे भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। मेरा मेंटली था कि यार सिंध में तो मेरा कहीं चांस नहीं, मैं नम्स के लिए आई वाज मोर फोकस्ड कि मेरा नम्स में हो जाएगा। तो नम्स इस्लामाबाद? हाँ नम्स भी किसी भी कॉलेज में हो जाए, ठीक है, तो किसी भी लाइक उससे BMDC हो जाए या फिर इस्लामाबाद में किसी कॉलेज से हो जाए। नम्स के एफिलिएशन कौन कौन सी हैं कराची में? आई गेस BMDC हैं एंड उसके अलावा फजाइया वगैरह भी इसमें आते हैं, AMC वगैरह जो आते हैं वो। हाँ तो फोर्सेस के जितने भी फोर्सेस में सब उसमें वो हो जाते हैं। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उस साइड पे था, बट अल्टीमेटली लकीली एक भी 2 दिन पहले आई गई हमें आई थी, हम MCAT का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, NTS का, और हमें आई थी कि सब रिजॉल्व हो गया स्टफ लाइक दैट, और फिर PMC आ गया और सब फेडरल का आ गया, तो फिर वो तुम्हारे लिए एक मंथ पहले हुआ था सब, आई गेस 2 मंथ्स पहले। उस वक्त नहीं मैं कर रही थी कि मुझे डाउन में जाना है उस तरह था, मेरा ज़्यादा फोकस BMDC की तरफ था क्योंकि वो मेरे घर से करीबी थी और इस तरह से था, बट अल्हम्दुलिल्लाह डाउन हुआ। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि डाउन में हो गया। और अच्छा तो उसके लिए आपने कहीं से प्रिपरेशन भी की थी या सिर्फ और सिर्फ डाउन मतलब वैसे ही खुद ही आपका फेडरल का, क्योंकि सिलेबस से तो फेडरल कैच मिल गया या ये सीन था? पहले तो ये था कि NTS होता था, पहले NTS टेस्ट लेता था, ठीक है। हमारे टाइम में क्या हुआ, हमारी आंखों के सामने NTS रिजॉल्व हुई, PMDC रिजॉल्व हुआ, PMC। आपका फेडरल बोर्ड था? नहीं मेरा सिंध बोर्ड था। तो उस पर क्या हुआ था कि सिलेबस उन्होंने
जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेडिकल टेस्ट के लिए कोई सिलेबस होता. वी वर द फर्स्ट बैच जिनको कोई सिलेबस मिला था कि इस सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो थे ना, लाइक व्हेन आई सॉ द सिलेबस एंड व्हेन आई सॉ द फेडरल बुक, दे वर लिटरली द सेम. तो उन्होंने बेसिकली जो सिलेबस था ना, लाइक जो हमें आउटलाइन दिया था, सिलेबस आउटलाइन दिया था, वो दैट वॉज मेड फ्रॉम फेडरल बोर्ड. ठीक है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि पंजाब बोर्ड से पेपर बना था, बहुत से लोग कहते हैं फेडरल से बना था, बट वट आई नो इसके किसी को नहीं पता पेपर कहाँ से बना था. मैंने फेडरल बुक्स पढ़ी थी तो मैं कहती हूँ फेडरल से बना था. हाँ, पंजाब बोर्ड वाले कहते हैं पंजाब से बना था. ठीक है, जनरलाइज क्वेश्चंस थे, मिक्स क्वेश्चंस थे, दे वर फ्रॉम एवरी बोर्ड. ठीक है, अब उस वक्त हुआ ये था कि प्रोटेस्ट चल रहे थे, किड्स स्टूडेंट्स वर लाइक कि ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी दिया नहीं, कुछ पता नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बहुत स्केप्टिज्म था, मतलब बहुत एक नेगेटिव इन्वायरमेंट था उस वक्त. लेकिन खैर I still say कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया था ना और प्रोटेस्ट वगैरह न्यूज़ पे नहीं फोकस किया था, वो कर गए क्लियर. करने वाले कर जाते. जो लोग कहते हैं ना कि यार PMC लान तान करते हैं बहुत ज़्यादा, ये बुरा, मैं कहती यार तुम लोग अपने आप को ठीक कर लो. मैं उस वक्त भी उन लोग कहती थी कि तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ते नहीं थे वो लोग. मैं कहती थी अच्छा पढ़ा है नहीं, पेपर थोड़ी होगा, हमें पूरा यकीन है जिब्रान नासिर पेपर कैंसिल करवा देगा. इस तरह लेकिन नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे इसमें डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों के ना. कुछ लोग ये हैं कि जैसे आपका तो माशाल्लाह हो गया, जिन लोगों के हो जाते हैं ना वो ये कहते हैं अच्छा था, जिन लोगों का नहीं होता वो बुरा. ऐसी बात है, हम लोग इन्हें नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है उसमें होता है, बस हर जगह बायस ओपिनियन होता है. लेकिन वही बात है कि कुछ लोगों का ऐसा था ना, जिन लोगों ने बहुत मेहनत कर दी अपने सिंध के उसमें या उसमें. मैं अगर पर्सनल केस भी अपना बताऊँ तो मुझे एट द एंड सब लोगों ने ये कहा था कि आप ना अपने सिंध पे मेन फोकस कर लो क्योंकि एट सिंध से टेस्ट आने वाला है. मैं डॉक्टर से पढ़ा था. खैर तो उसके बाद मुझे उन्होंने नहीं कहा था, मुझे वैसे जनरली लोगों ने, तो मैंने अपना सीन पे पूरा फोकस कर लिया. तो एट द एंड कुछ लोग कहते हैं वो थे उसमें, तो बेसिकली क्वेश्चन सबको पता है मिक्स क्वेश्चन थे, तो वो उसमें से पूरा मिक्स क्वेश्चन आ गया. और ऑब्वियसली बात है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एक लोअर एज मिला वहाँ पर. और सेकेंडली ये कि आप सिंध बोर्ड से हैं, आप फेडरल बोर्ड से हैं ना, मेरा 11th बोर्ड था, तीनों का डिफरेंट बोर्ड है. तो आपको लगता है आपको सिंध बोर्ड से कोई एडवांटेज या एज मिला आपको सिंध बोर्ड का? बिल्कुल भी नहीं. सिंध बोर्ड का एज नहीं मिला आपको, फेडरल का मिला? फेडरल का तो मिला, ये तो सब बिकॉज़ फेडरल की स्पेशली बायो के सेक्शन में आई स्टिल रिमेंबर लाइंस थी एज इट इज. फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री पूरी फेडरल, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी पूरी जो वो थी फेडरल बोर्ड की उसमें से आई हुई थी. नेशनल बराबर से कि ए लेवल्स के हमेशा यहां पे लोअर एज मिलता है ये हमेशा. लेकिन आई थिंक पीएनसी में ए लेवल वालों को अपर एज मिला है बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करते हैं ना, और अभी जो पैटर्न है वो. लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टडीज ठीक है, इस कॉन्सेप्चुअल स्टडी एक होता है जहाँ तक अभी जैसे शिब्रा ने कहा कि लाइंस आई थी, लाइंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. अगर लाइंस आ गई फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिर तो ऑब्वियसली बात रट्टा हो गया पूरा. आई गेस फिर वो जो एग्रीगेट वगैरह भी पूरा ओवरऑल करके तो जो ए लेवल्स बच्चे को ना थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं वो परसेंटाइल. एग्रीगेट का सीन आता है और उसके बाद आपका जैसे आई स्कोर्ड ए लेवल्स में 2 A-1 A. 2 A-1 A को अगर आप इटसेल्फ उसकी इक्वलेंसी निकालें ना, तो इक्वलेंसी हमारी बनती है अराउंड मेरी बनेगी 87% के करीब तकरीबन. हाँ. लेकिन स्टिल हाँ, और अगर आप मैक्सिमम ए लेवल्स में जितना भी स्कोर कर लें, मैक्सिमम आप 3 A-स्टार कर सकते हैं सब्जेक्ट्स में. 3 A-स्टार का मतलब है 90%. आप 90 से ऊपर जा नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लो, और वो 90 नहीं होता. हाँ. नहीं होता किसी का 90, बिल्कुल गिनती के लोग हैं जो इतना स्कोर करते हैं. तो खैर मेरे 2 A-स्टार गए थे, लेकिन स्टिल जो हमारा इक्वलेंसी निकलती है तो इक्वलेंसी वो पिछला वो लेवल पता नहीं क्या कुछ मिला मिलो कि मेरी इक्वलेंसी अराउंड 83 समथिंग पे आ गई थी. एक बहुत बड़ा ये लोअर एज होता है. हाँ. पहला लोअर एज. सेकंड लोअर एज के आपका जो टेस्ट है वो आपको ऑब्वियसली बात है कि आप रट्टा पूरा कर रहे होते हो तो रट्टा. हाँ. नहीं होता तो एक सेकेंड लोअर एज. तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा अब जैसे मैं था, मैंने जो उसमें अपने सिंध बोर्ड पे फुल अपना फोकस कर लिया था, एट द एंड टेस्ट कहीं और से आ गया. तो इस पे जैसे वही बात है ना, अच्छा आपने कहा कि वो लोग सब शोर कर रहे थे और बातें कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ. ऑब्वियसली आप वैसे मैं उनमें से नहीं था, मैं इतना नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं. मैं अपनी से अपनी रख के एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और के एग्जांपल नहीं था ना, बहुत लोगों के ऐसे जानता हूँ. और ऐसा यू नो जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों का हुआ गवर्नमेंट सेटअप में, वो सब ऐसे थे जिन्होंने फेडरल पढ़ी थी ए लेवल्स में होते हुए, फेडरल की बुक्स पढ़ ली थी एहतियातन. तो ऑब्वियस बात है कि हाँ अगर मैं पढ़ लेता वो या कुछ करता मेरा वजह हो गवर्नमेंट में हो सकता था, वो बात नहीं थी. लेकिन जहाँ भी हो मैं उस पर नहीं कह रहा, इट डजेंट मैटर, लिटरली डजेंट मैटर. आपको कुछ हो जाए ना, सिर्फ और सिर्फ वो एक फेज होता है आप पे. मुझे जो ना डाउन में मेजोरिटी जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है सब ए लेवल्स के, तो आई फील लाइक ए लेवल वाले सारे डाउन में आ गए. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ए लेवल्स. कितने का डाउन का कितने का बैच है? कितने? 350 का. उसमें कितने होंगे ए लेवल्स के? मेरे तो मेजॉरिटी फ्रेंड्स ए लेवल्स के हैं. 10-20 ए लेवल्स का मैक्सिमम जो है वो ही फेडरल के फिर सिंध का थोड़ा सा एक बैच आता है. ए लेवल्स कितने? ए लेवल्स के 10-20 होंगे. 10-20 नहीं ज्यादा होंगे.
देखिए तो ज्यादा अगर तुम पूरी क्लास में बैठी हुई हो 30 स्टूडेंट्स भी अगर है ना तो तब भी 10% बनता है, 30 नहीं बनता। नहीं मैं 30% कह रही हूं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 90 टू 100 स्टूडेंट्स हैं इलेवेंथ के डाउ में। हाँ, ज़्यादा हो गया। 10% स्टिल मेजोरिटी सिंध वोट डोमिनेट करती है हमेशा से। और आई गेस वो भी नहीं, सिंध वोट भी ऐसे ही था कि डोमिसाइल वाला जब सीन आता है ना तो उसमें डोमिनेट करती है। अगर नंबर वाले हाई से करते ना तो फिर आई फील लाइक एवरी फेडरल का बच्चा इसी के अंदर नहीं, बोर्ड का डोमिसाइल से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, जब एंड पे डोमिसाइल होता है ना, नंबर तो एज देखो टेस्ट में और उसमें तो एज मिल गया था फेडरल बच्चों को, ठीक है। उसके बाद जब डोमिसाइल वाला सीन आना शुरू हुआ ना, लेकिन डोमिसाइल का बोर्ड से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, एडमिशन से रिलेटेड बता रही हूं, दैट्स हाउ कि सिंध बोर्ड के इसलिए बच्चों को एंड पे वहां पर एडमिशन मिल गया डाउ में। फेडरल वालों को पिंचो के, लेकिन अगर इसमें की वो बात नहीं, अगर सिंध के बच्चों को डोमिनेट कर रहे हैं ना वहाँ पे, उनका बनता भी है क्योंकि क्योंकि आप अगर आप देखें, नहीं डिजर्व का मसला नहीं, डिजर्व तो ऑब्वियसली वो ठीक है। आप वो भी देखें एलेवेंस के बच्चे कितने होंगे जो अपेयर हो रहे होंगे। अगर 11,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल 1,000 बच्चा होगा एलेवेंस का, तो 9,000 बच्चा स्टिल सिंध बोर्ड का है जो अपेयर हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात हूँ कि आप कैंडिडेट की वो तो देखें, अमाउंट ऑफ कैंडिडेट कितने ज़्यादा है उधर, सो अभी उनको डोमिनेट करना बनता भी है उधर। खैर तो अच्छा, तो मतलब आपको कोई एज नहीं मिला आपके ख्याल से सिंध बोर्ड का कोई? मुझे एज एन एज इसलिए नहीं मिला बिकॉज मुझे इवेंचुअली 15 दिन पहले आई शिफ्टेड टू फेडरल, 15 डेज प्रायर माई टेस्ट आई वॉज स्टडींग फेडरल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का ना एक अपना तरीका होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं शुरू से कॉन्सेप्चुअल वाइज स्टडी करती थी, इवन दो सिंध बोर्ड का एक वो होता है कि रट्टे वाले होते हैं ये दो, लेकिन डिपेंड करता है हर कोई नहीं। हाँ वही ना, मतलब एक वो बना तो जनरलाइज तो कर देते हैं ना हम चीज़ों को। तो मैट्रिक तक आई डिड माई फेडरल, सो मेरा माइंड सेट इंटर में भी फेडरल वाला ही था कि नहीं मुझे कुछ चीज़ पढ़नी है ना तो मुझे समझ के पढ़नी है। सो आई वॉज ऑलवेज वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, मतलब बाहर की ना, के मतलब आउटसाइड माई बुक्स, वरना सिंधु वाले जनरली आउटसाइड द बुक्स नहीं पढ़ते, बस जो बुक में है वही पढ़ते थे। तो वेन आई शिफ्टेड टू फेडरल तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी बिकॉज मेजोरिटी जो मुझे पहले से आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जस्ट बिकॉज आई मतलब मैंने अपने आपको एक्सपोज रखा पहले आउटसाइड सेंसेशन, तो इसलिए मुझे आसानी है। और बाकी बहुत से चीज़ के आपको वैसे फर्स्ट ईयर में भी तो हेल्प हुई होगी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में क्या आपके इस आदत की आपको हेल्प हुई होगी? यस, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही है, मुझे अभी भी मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की आदत है। पेपर से पहले मेरे सामने सारी बुक्स पिछली होती है। अच्छी आदत है तो फिर वैसे। अच्छा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सोचा था कभी कि प्राइवेट में अगर हो गया या कुछ? मुझे था कि अगर होगा तो गवर्नमेंट में होगा, मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था कि मेरा एडमिशन नहीं होगा इस साल। आई वॉज सो श्योर अबाउट इट, आई डेंट मतलब मैं इतनी मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना टूट चुका था पीएनसी की वजह से, इतना मैं वो हो गई थी मतलब आखिरी जब डेट आई थी ना, क्योंकि हमारी 4 दफ़ा डेट आई गेस चेंज हो रही थी ना, आखिरी जब डेट आई थी ना मैंने अल्लाह से 2 नफल पढ़े, मैंने कहा अल्लाह अगर अब चेंज होना मैं टेस्ट ही नहीं दूंगी। मैंने इतने दिल से पढ़े थे वो नफल, वो अल्लाह ने शायद सुन लिया। मैंने घर वालों, मैंने कहा अगर अब डेट आगे गई मैं पेपर नहीं दूंगी, अगले साल दूंगी बस। आई मतलब मेरा बहुत एक मेंटल स्ट्रेस। अगर खुदा ना खासा आपका अगर नहीं होता तो सो यू आर रेडी फॉर रिपीट? आई हैड नो प्लान बी, मैंने बनाया ही नहीं था ना। व्हाट वाज योर प्लान बी? मेरा प्लान बी रिपीट था फॉर श्योर। हां, बिकॉज़ मैं बता रही हूं ना कि जब ये सारा सीन हुआ था ना एमकैट वाला, एनटीएस के लिए मेरे 80% प्रिपरेशन वाज फॉर नम्स, फेडरल की बुक से आता है सब कुछ, होता है फेडरल वाले बच्चे होते हैं सब कुछ, ये सब सीन था। तो एनटीएस के लिए तो आई वाजंट प्रिपेयर थी नहीं उस चीज़ के लिए, एनटीएस वाले के लिए। तो मेरे माइंड में था बैक ऑफ द कि यार सिंध में तो ऑप्शन रखना ही नहीं है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत मुश्किल से होगा, लक चल गया तो हो जाएगा। और जो मैं फोर्थ नंबर पर आई यूनिवर्सिटी आती है, लिटरली प्रेंग लियारी में मुझे ये मुझे फॉर्म भरी थी, कहते लियारी, मैंने कहा नहीं पागल हो, लियारी खुश रही थी बिकॉज आई न्यू कि यार मेरा इधर ही जाना, मुझे पता था इसका हो जाएगा। शी वाज द वन कि मुझे बताई तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से था। बट हाँ, लेकिन मेरा प्राइवेट का ऑप्शन था डेफिनेटली, आई सेट के बम डीसी और कोई भी होता तो मैं उस पर चली जाती थी, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो रिपीट कर लेती उसका, ये था। तो प्राइवेट में सोचा था जाने का? हाँ, प्राइवेट में सोचा था। और कौन सी प्रायोरिटी थी फर्स्ट? बम डीसी अगेन। बम डीसी में मेरे बहुत से लाइक, एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो बड़ी बहन है शी इज ऑल्सो डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम बम डीसी, तो एक होता है ना कि बड़ी बहन के बहुत सपोर्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी में अगर हो। सेकंडली घर से बहुत करीब है, बम डीसी में देखी हुई थी, सो इट्स लाइक है ना सेकंड होम फॉर मी, अभी भी यू नो आई गो देयर और वहाँ लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती हूँ, तो वो भी एक सेकंड होम टाइप की चीज़ है। तो मेरे पर्सनली मेरा वो इंटरेस्ट था कि मैंने बम डीसी जाना है इस तरह से, ये था। बट जहाँ पे लिखा गया मेरा भी ऐसे सीन था, मेरी दोनों बड़ी बहनें डॉक्टर्स हैं ना, तो उन्होंने जेएसएमयू से किया था। हाँ, तो जिस दिन मेरा टेस्ट था ना तो हम लोग घर से बाहर निकले थे, मेरे मैंने दुआ की अल्लाह मेरी बेटी का एसएमसी में हो जाए,
मैंने कहा मम्मी क्या दुआ किया आपने, मैं कब से दुआएं करी, मेरा डाउन में हो जाए मुझे एसएमसी। वो कहती है नहीं एसएमसी तो अपना है ना, हाँ। तो वो एक पता नहीं क्यों होता है माँ बाप को कि बड़े बहन भाई इधर से बड़े छोटों को भी वो एक फेमिलियर होता है ना, हाँ, हाँ। उनको ना जैसा भी बहुत पसंद है मेरी मम्मी को। वो ना एक दफा उनकी जब ओरिएंटेशन हुई थी ना तो मेरे मतलब बच्चों के साथ पेरेंट्स भी इन्वाइटेड थे, तो उनको पता नहीं क्या एक अफेक्शन है वहाँ उस जगह से, तो लेकिन मुझे था अल्लाह मेरी अम्मा की दुआ नहीं सुनना लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र। लेकिन मैंने जब घर आके मैंने ना नम्स में मैंने एक मिस्टेक की थी, नम्स का मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ था क्योंकि वो फेडरल से आया था, मैंने फेडरल नहीं पढ़ी थी। मैंने जो सबक सीखा था नम्स से सीखा था। कितना बुरा हुआ था नम्स का? मेरा बहुत बुरा हुआ था, आई गेस 126 स्कोर आया था मेरा, इतना हाँ। बुरा हुआ था ठीक है, क्योंकि मैंने फेडरल पढ़ा ही नहीं था, वो पूरा पेपर फेडरल से बना हुआ था। फिर मैंने कहा यार, फिर मुझे पता चला कि नम्स का जिन्होंने पेपर बनाया ना उन्होंने ही पीएमसी का बनाया, नम्स का बहुत हम क्योंकि उनकी शीट तक भी सेम थी, तो मैंने कहा बस ठीक है सबक सीख ले जिंदगी में एक ही दफा ठोकर खानी है। एंड आई गेस नम्स से मुझे भी इससे फायदा हुआ था, मेरा भी नम्स का अच्छा नहीं हुआ था, इवन दो कि मैं फेडरल, हम दोनों का सेम ही स्कोर आया था, मेरा 126 था 124 था। नम्स का देने का जो बेनिफिट ये हुआ था कि नम्स पेपर देख लिया हमारे, पता हम प्रिपेयर क्या कर रहे थे, बहुत डीप डीप जा रहे थे, कॉन्सेप्ट से जा रहे थे, नम्स से बहुत ऊपर ऊपर चीजें पूछी थी, बॉर्डर का बॉलिंग पॉइंट ऐसी चीजें पूछी थी, मैंने नम्स पेपर दिया देखिए तो बहुत ऊपर ऊपर चीजें पूछ रहे हैं, दैट्स हाउ क्या मुझे समझ आ गई थी पीएमसी वाले भी ना ऐसे ही कुछ हाँ, करेंगे। फिर मैंने फेडरल मैंने मेरे नम्स दिया था पर ऐसा कुछ सीन नहीं था, मुझे ऐसा कुछ पेपर नहीं था, नहीं था बहुत दिन तक था, बहुत लाइक क्वेश्चन ना लाइक हाँ क्वेश्चन लाइक पूछने का फील है, एक कॉन्सेप्ट अगर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग पूछी हुई नम्स में तो उसके सिमिलर कोई और एमसीक्यूज पीएमसी में पूछा हुआ था, और दो तीन रिपीटेड थे, आई रिमेम्बर As it is bio के नाम से सबक सीखा था फेडरल पढ़नी है, फिर मैंने फेडरल पढ़ दी सही थे, मैंने कहा भाई ये तो कुछ और ही बात है नाम्स के बाद। अच्छा आपका मेरिट क्या बना था? मेरा मेरिट था उसमें नाम्स में नहीं एमकैट में, एमकैट में मेरा था 1402, तो मेरा काफी पीछे था, लेकिन अच्छा है टॉप 500 में तो आ गए। टॉप 500 कहां से हो गया? 1402 मेरा काफी पीछे था, तो खैर तो मेरा इसलिए वहाँ पे मेरा मुझे वहाँ से ऑफर हुई थी डाओ से बीडीएस की ऑफर हुई थी। अच्छा आपको अच्छा। क्या सेटबैक लगा कि मैं ये कर लेता तो शायद मेरे ऊपर हो जाता? मैं फेडरल पढ़ लेता था। अच्छा हमारे यहाँ पता है क्या होता, हमारे कोचिंग था अनीस हसन वाले, आई डोंट नो कोई अनीस हसन वाला देख रहा हूँ मुझे सू कर दे उसके सारे टीचर्स वर लाइक सिंध पढ़ो बच्चों सिंध पढ़ो, टीएससी से लड़के आए हम, दे वर लाइक हम तो करेंगे प्रोटेस्ट सिंध पढ़ेंगे, मुझे क्या नहीं होगा। सबसे बड़ा सेटबैक मुझे यही था क्योंकि मुझे और मेरे सारे बैच के बच्चों ने फिर सिंध पढ़ा, लेकिन आई वाज द ओनली वन जो फेडरल पढ़ी थी। आई रिमेंबर जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी तो मेरे आसपास एवरीबॉडी वाज लाइक फ्रॉम सिंध बोर्ड, तो प्रॉपर वहां कह रहे थे कि हम पेपर नहीं दे रहे ये तो फेडरल से आया, क्योंकि पीएमसी वाला ने बोला था कि हम लोग जो है ना किसी की बुक से बाहर का क्वेश्चन ही देंगे। मैंने कहा तुम लोग किस पे भरोसा कर रहे हो, एक दफा सबक सीखो करो यार, वही ना। लेकिन वो वही बात है कि मुझे मैंने मेरा इलेवेंथ भी पढ़ा हुआ था क्योंकि मैं तो था इलेवेंथ का, और उसका मैंने सिंध बोर्ड भी पढ़ लिया था पूरा, तो सेटबैक मुझे था कि मैंने फेडरल छुआ भी नहीं था, मतलब लिटरली मैंने स्टॉप ना होने के बराबर किया था फेडरल को, और मेनली पेपर जब फेडरल से आ गया तो मुझे उस वक्त बहुत बड़ा सेटबैक हो गया कि वो गया। और क्योंकि आप देखें जैसे एग्जाम्पल है सिंध बोर्ड में चैप्टर है किंगडम, मैंने मिल लिया पूरा इतना बड़ा, उसमें से एक सवाल आया था हमारे एमकैट में याद है, फ्रॉक का नहीं पता नहीं क्या पूछा था, पैरेट का क्लासिफिकेशन मैनुअल, हां एक सवाल आया था चैप्टर में, मतलब कि सिंध बोर्ड का इतना मेजर चैप्टर उसमें से आप एक क्वेश्चन तेज नहीं थे आप लोगों की ना, मुझे कुछ भी नहीं याद किया था मुझे, मैंने घर आते स्कोर चेक किया था, मैंने घर आते चेक किया था, शुक्र है जितना कैलकुलेट किया था उतना ही आया था, उसमें ये सीन भी हो रहा था ना कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे स्टफ लाइक दैट, पीपल वर लाइक कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे, नहीं आई गेस मैं आंसर वो नहीं दी थी ना जो शीट मिलती है, पीपल लाइक अपने आप मार्क्स चेक कर लें, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रही थी कि लोग गलत नंबर आ रहे हैं, जब नाम्स में कह रहे थे फॉल्स नंबर लगाए, तो मुझे ये था कि मैं आके पहले अपने स्कोर चेक कर लूँ ताकि उससे करीब करीब आए, सो आई नो कि यार मुझे मेरे सही करेक्ट जो वो तो जो अच्छा वो हर हर बंदे पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा जो एस्टिमेटेड स्कोर हो उस अकॉर्डिंग जैसे आप बोल रही हैं मेरे से बहुत डिफरेंट था मेरा स्कोर, जो अच्छा। मैंने टैली किए थे आंसर हाँ हाँ। उससे मेरा अच्छा खासा डिफरेंट था स्कोर, अच्छा, अच्छा। तो खैर वो तो हर बंदे पर डिपेंड करता है। अच्छा इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ लोग कहते हैं जैसे मैं अपनी बात करूँ मैंने जितना कैलकुलेट किया था उतना ही आया, मेरा भी ऐसे ही था, मेरे भी डाउ में भी कुछ दोस्त हैं मैं उनसे पूछे तो देवर लाइक मैम ने जितना किया था उतना ही आया, ऑब्वियसली बात है उनका उतना आया होगा तभी तो वहाँ बैठे हैं, हाँ ऑब्वियसली बात, और जिन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ उन लोग किसी का नहीं आया होता ना क्योंकि वो सब वहाँ पे नहीं रहे, कुछ नहीं पता ना कौन गलत है इस बात हाँ, तो उस पर तो खैर अच्छा इसमें ये हो सकता है कि और ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी हम सबकी एक आदत है कि हम लोग अपनी इवैल्यूएशन सही नहीं करते, हाँ हाँ अपने में बायस हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है कि जिन लोगों से मैं पूछूं उनकी इवैल्यूएशन अपने हिसाब से गलत हो, अपने आप को वो ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं और उतना किया ही ना उन्होंने, तो ये तो होता है। डिड यू गाइस अप्लाई फॉर एकेयू? आई डिड नॉट, नहीं मैंने टेस्ट दिया था बट मेरा वो नहीं हुआ था, आई रिमेंबर क्लियर नहीं हुआ था क्यों, मतलब क्यों मतलब क्या बहुत मार्जिन था क्या था,
आई जस्ट डोंट नो क्यों मैं गाइस रिजल्ट आया था पेपर कॉन्सेप्चुअल आया था उसमें सी लिखा हुआ था स्कोर था मैंने स्कोर देखा मेरी बहन ने देखा था आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल मुझे पता था बिकॉज़ आई न्यू पता है जब मैं एक ही को टेस्ट देकर आई थी आई रिमेंबर आई टोल्ड यू कि मैं नम्स के लिए मोर फोकस थी तो एक्यू आई गेस वन वीक बाद एग्जैक्ट नम्स का टेस्ट था सो स्टिल जब मैं टेस्ट देकर आई थी इवन वन डे बिफोर एक्यू मैं वहाँ पर प्रिपेयर नम्स की कर रही थी कि नाम्स का मुझे देना है नाम्स का देना और एक्यू का तो प्रोटल अलग होता है लाइक सब कुछ 20 है सब कुछ होता है तो जब मैं पेपर दे भी रही थी ना उस टाइम आई न्यू कि यार ये पास नहीं होना मुझसे पहले से आ मानी थी मतलब हां मुझे आई न्यू मेंटली प्रिपेयर थी कि ये नहीं होना मुझसे क्लियर है मैंने एक्यू का दिया था टेस्ट तो मुझे मेरे साथ बहुत इसका बैड सीन था मेरे साथ ये से कि मुझे ये जो मेरा दोस्त है जहाँ से इसने मुझे कहा था कि भाई तू कर लेगा मैंने कहा नहीं होगा मतलब मैथ्स है और मैथ्स मैंने एलेवेंस में नहीं ली थी मैंने मैथ्स हमारी चॉइस होती है तो मेडिकल के लाजमी नहीं होता ऑप्शन था मैंने ली मैंने कहा मैंने ओ लेवल्स में लास्ट टाइम मैथ्स पढ़ी थी अब उस बात को 2.5-3 साल हो गए अब ऐसी बात है 2 साल एलेवेंस के और आई गेस 6 मंथ का गैप था प्रिपरेशन का मैं 2.5-3 साल हो गए मेरे मैथ ही नहीं पढ़े मैं कहाँ से उसकी मैथ की तैयारी कर रहा हूँ मेरे पे इतना टाइम नहीं मैं अपनी गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए इसमें मैंने कहा थोड़ा तो देख लें मैंने आखिरी दिन बिल्कुल पेपर से एक रात पहले मैथ का पेपर उठाया उनके पास पेपर्स हैं अनऑफिशियल होते हैं खैर वो भी मैंने उठाया मैं देखा मुझे कहा नहीं हो रहा है बस मैंने बंद कर दिया और मैंने बाकी ऊपर ऊपर से देखा मैं चला गया टेस्ट देने जब रिजल्ट आया तो मेरा सारे सब क्लियर था सिर्फ मैथ्स में 1 नंबर कम था मेरा मतलब दिस क्लोज तो लाइक यार तो ये तो मुझे अब तक उसमें गालियां देता है कि भाई तुम्हें कर लिया था सब लाइक लेकिन खैर उसके बाद फिर वो डिड यू वांट टू गो टू ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता इतना क्रेज नहीं था कि नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई नहीं इतना नहीं इतना क्रेज नहीं था क्योंकि और मतलब मुझे ये था कि मैं ये अपना रिपीट तो नहीं करूंगा मैं कहीं ना कहीं चला जाऊंगा स्टार्ट कर दूंगा अगर खुदा ना खासा मेरा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में होता कि जहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता और मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा पर ऐसा कि मैं जहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता वहाँ होता तो मैं शायद दोबारा फिर उस साल अगले साल दे देता लेकिन व्हेन आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और एक ही तो खैर नहीं हुआ और गवर्नमेंट में मेरा सेल्फ पे मतलब BDS वगैरह की तरफ था और लियारी आई गेस हो रहा था पता नहीं लियारी तो मैं नहीं लिया उसमें मैंने उसको मतलब ये फोकस ही नहीं किया देखा ही नहीं कि हो रहा नहीं हो रहा क्योंकि अराउंड 1200-1300 तक मेरे आई गेस KMDC का गया था फिर वो लियारी का भी था कुछ तो वो मैं देखा भी नहीं तो उसके बाद मेरे जियाउद्दीन से जब कॉल आ गई तो जियाउद्दीन के मुझे लोगों ने भी कहा कि भाई एकेडमिक वाइज बहुत अच्छी है अगर आप इसकी रैंकिंग भी और देखें तो द टॉप यूनिवर्सिटी आ खान देन डाउ देन जियाउद्दीन थर्ड पे जियाउद्दीन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वाज इट एज गुड एज इट साउंड एज इट लाइक हां साउथ मुझे तो सही लगा एकेडमिक वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा और वो था डिड डाउ मेट योर एक्सपेक्टेशंस आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम डाउ आई वाज लाइक गर्ल मैं ये अपनी बहन से भी रिसेंट डिस्कस कर रही थी कि हम एक्सपेक्टेशन मुझे समझ नहीं आती यूनिवर्सिटी में हम किस तरह से लाइक हम प्रोफेसर से एक्सपेक्ट करते हैं स्टफ लाइक हमें पता है आप जियाउद्दीन में पढ़े हैं हम डाउ से पढ़े हैं आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ने खुद पढ़ना होता है एक्सपेक्टेशन हाँ कुछ एक्सपेक्टेशन लोग ऐसी रख लेते हैं कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में चले गए तो आपको घोल के पिला देंगे ऐसा कोई सीन नहीं होता ऐसा कुछ सीन नहीं मेरे से मेरी तो दोनों बड़ी बहनें डॉक्टर थी ना तो उन्होंने मुझे पहले बताया था कि जिंदगी कैसी ऑब्वियसली मेडिकल इज ऑल अबाउट इज नॉट ऑल अबाउट इज मेनली अबाउट सेल्फ स्टडी आई वुड से हाँ ऑब्वियसली इतना हाँ तो उसमें तो वही लेकिन एक वो एक्सपेक्टेशन सब यहाँ तो कह सकते हैं कि कई जगह पे अगर ऐसा है कि आपके एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे आपके मैनेजमेंट सही नहीं है आपकी क्लासेस टाइम पे नहीं हो रही हैं अल्लाह का शुक्र है इस तरह में मामला में डाउ ऐसा नहीं है ऑब्वियसली डाउ में ये नहीं है पर कुछ गवर्नमेंट सेटअप्स में है ऐसा ये तो ऐसा तो है जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में है कि 2 दिन पहले बताते हैं आपका पेपर है लेकिन डाउ में अल्हम्दुलिल्लाह में पहले से पता होता है पूरा एक ईयरली प्लान होता है उसको फॉलो करना होता है हाँ डाउ में तो खैर मैनेजमेंट फिर भी लेकिन रिजल्ट नहीं पता चलता हमें आज तक नहीं पता मैंने मॉड्यूल में कितने नंबर्स हाँ। ये तो कहीं नहीं चलता ये तो डाउ का नहीं है कहीं नहीं चलता नहीं बमडी से वालों को बता देते हैं आई फील है कि बताना चाहिए हमें नहीं बताते हमारी ग्रेडिंग है उसके बाद सेमेस्टर में हमारी ग्रेडिंग आई थी आपके सेमेस्टर में ये ग्रेड है और GPA भी नहीं होती हमारी फिलहाल GPA आप लोगों का GPA होती है हमारी उसमें सेमेस्टर सिस्टम में GPA नहीं होती GPA आपकी आई गेस 5th ईयर के बाद या 4th ईयर के बाद होती है ओवरऑल कैलकुलेट करके आगे होती होगी लेकिन उसका मैं आइडिया नहीं क्योंकि मेरा हुआ नहीं अब तक उससे तो जब होगा तो पता चलेगा लेकिन फिलहाल आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आ गए हाँ आई क्लियर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही बोल रहा है क्लियर्ड नहीं मुझे वैसा कुछ नहीं है एक्चुअली मेरा सही था ग्रेड लेकिन मतलब मेरा एवरेज ग्रेड से पास हुआ मेरा वो नहीं था कि बहुत बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं सो उसमें था खैर
अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है या ऐसा कोई खास बात नहीं है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल कंडीशंस? हाँ नहीं, फर्क इस तरह से है कि लाइक मेरे सामने तो एक ही बम्बी सी, तो आई वुड लाइक मैं उसको ही कंसिडर करके आज जवाब दूंगी कि आई फील लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ना कि लाइक आई सेड कि गवर्नमेंट में बच्चों को खुद पढ़ना पड़ता है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, हमारे टीचर्स इवन ये कहते हैं ओपनली कि डाओ का बच्चा खुद पढ़ता है. एंड इट्स ट्रू, हम सब खुद पढ़ते हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने ओन पे कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब कुछ डाओ को ओन कर रहे हैं. जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई फील लाइक कि उन पर ना एक जैसे हमारे स्कूल सिस्टम होते हैं, प्रॉपर रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चे को एक ना एक ट्रैक पर रखा जाता है, आपके PBLs हो रहे होंगे, फिर आपके क्या कहते हैं फैट्स वगैरह. PBLs आपके नहीं होते डाओ में? नहीं, हमारे ऐसे नहीं होते ना, हमारे इंटरेक्टिव सेक्शन सेशंस वगैरह ऐसे नहीं होते. मतलब हमें क्लासेस होंगे, लेक्चर्स होंगे, ये होते हैं, बट वही ना एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद पढ़ना है. PBLs आएगा साहब लोगों के फिर होंगे, लेकिन आपका आई गेस डाओ के 3rd या 4th के बाद होते हैं. एक ही हाँ होते हैं PBL, थर्ड फोर्थ ईयर में होते हैं डाउन. अभी तो क्या सच नहीं हुई, मतलब हमारे जब मेरे साथ के जो बच्चे लाइक बम डीसी किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उनको मतलब वो बोल रहे हैं आज हमारा फैट, आज हमारा इंटरेक्टिव है, आज हमारा क्या कहते हैं कोई और मॉड्यूल से बीच में समी कोई मॉड्यूल टेस्ट आ रहा होगा, तो एक टेस्ट होने होते तो हर अगले दिन टेस्ट हो रहा था. आई फील लाइक दैट्स बेटर कि एक बच्चे का ट्रैक रहता है, बजाय इसके साल के एंड पे आप सीधा नहीं भाई इतने पेपर नहीं चाहिए मुझे डायरेक्ट प्रॉप ले लो. AKU का वैसे आई हैव हर्ड कि वहाँ पे स्पून फीडिंग होती है बाकायदा. अब आई डोंट नो इनसाइड एज इन के उनको ना फर्स्ट डे से रिसर्चेस पे लगा दिया जाता है. ये स्पून फीडिंग नहीं कहते? नहीं नहीं, और पढ़ा मतलब उनको टीचर्स अच्छे मिलते हैं आई हैव हर्ड के, मतलब उनको बहुत. एक बात बताएं, एक हाँ वो तो ठीक है, अगर स्टार्टिंग सही, अगर आपके PBLs हो रहे हैं, आपकी रिसर्चेस हो रही हैं, आपके कुछ हो रहे हैं, तो आप और आपके टीचर्स आपको वो असाइनमेंट दे रहे हैं, वो करवाता तो कोई नहीं है. लेकिन फिर भी एक है तो ना असाइनमेंट, इतनी जिम्मेदारी तो ले रहे हैं ना कि बच्चों का. अब आप देखें कि AKU में 95% में कहूंगी बाहर जाते हैं. क्यों जाते हैं? उसका एक और बड़ा बहुत बड़ा रीजन है, डिफरेंट रीजन. एक ये भी है ना, अब देखिए बाहर जाने के लिए आपको पता है, जैसे अगर स्टेप वन की बात करूँ तो अब वो पास फेल वाला सिस्टम हो गया है, तो उसके लिए आपको एक रिसर्चेस, आपके पास रिसर्चेस होनी चाहिए. पहले ही होता था कि अच्छा स्कोर कर लो, 260 अबव ले लो तो ये है कि मतलब आपका अच्छे जगह मिल जाती थी. लेकिन अब क्या हुआ कि जब से पास फेल हुआ है ना, तो अब ये क्राइटेरिया हो गया है कि आपके पास रिसर्चेस होनी चाहिए. तो अब जो मैंने जहाँ तक सुना है ना, इसका ये सीन है कि AKU का पहली बात तो जो जो लोग कहते हैं 90% स्टूडेंट बाहर जाते हैं, वो ये कि वो USMLE कर लेते हैं ज़्यादातर. उनके दो बड़े रीज़न हैं, उनके दो बड़े रीज़न हैं AKU एंड ZU. इनका आप करिकुलम देखेंगे ना तो वो USMLE से बहुत मैच करता है. अच्छा. इनका करिकुलम भी बहुत मैच करता है, तो जो आप पूरा साल ऑलमोस्ट वो चीज़ें पढ़े होते हो, तो आप उसके बाद जब वो उसी चीज़ का जो एग्जाम दोगे तो आपको थोड़ा सा अपरेज मिल जाता है. ऑब्वियस बात है आपकी एफर्ट उस पर बहुत मैटर करती है स्टिल, लेकिन आपको एक एज थोड़ा सा मिल जाता है वहाँ पे. तो आपने देखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स AKU और ZU के हमेशा ज़्यादा होते हैं जो USMLE क्लियर कर जाते हैं. इनके एल्यूमिनाई अगर आप देखें तो एल्यूमिनाई की बात कर रहा हूँ मैं. सेकेंड रीज़न उसका ये है कि फर्स्ट जब से स्टेप वन पास फेल हुआ है, जब तक मैंने सुना है जहाँ तक इसका, जब से स्टेप वन पास फेल हुआ है, ये एक एज मिला है स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छा, कि वो ज्यादा स्टूडेंट्स पास करना शुरू हो गए हैं. अब स्टेप वन की सिर्फ आई थिंक ये टफ हो गया, टफ नहीं हुआ कि ज्यादा लोग पास कर रहे हैं. तो हाँ, इन स्टेप वन तो ज्यादा लोग पास करेंगे, स्टेप टू थ्री तो नहीं पास कर रहे हैं ना, स्टेप वन सिर्फ पास करें, टू थ्री तो स्किल स्कोरिंग के ऊपर है. और रिसर्चेस आपको एक एज देती हैं आपको उसमें उस करने के लिए, लेकिन रिसर्चेस आपका कोई पास फेल नहीं कराती हैं आपको, आपको पास फेल आपका एग्जाम ही कराता है. नहीं, पास फेल की बात नहीं कर रही थी ना, जैसे पास फेल के बाद आगे इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, वो आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं. आपकी इंटर्नशिप होती हैं, और इंटर्नशिप भी आपकी ऐसी जो आपकी इंटर्नशिप आप कहीं से फॉरेन, अगर आप USA या UK से किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होके आए हुए हैं, तो आपको वो इंटर्नशिप आपको थोड़ा सा एज दे देती हैं. ऑब्वियसली बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई किसी को सेलेक्ट करना है एंड यू बोथ आर द कैंडिडेट्स, दोनों का सेम स्कोर है, मैं किस बेस पे जज करूंगा? ऑब्वियसली स्किल. मैं फिर कैसे, मैं तो सिर्फ एग्जाम देखा है ना. नहीं नहीं, मतलब कि वो इंटर्नशिप की जॉब, मैं फिर देखूंगा किसका करिकुलर फिर कहाँ ज़्यादा आ गया. लेकिन स्टिल, लेकिन मेन आपका पास वही होता है आपके पास फेल. तो आ खान के स्टूडेंट्स को जो मैंने जो जहाँ तक सुना है, जो मेरे जानने वाले भी जितने गए, स्पून फीडिंग नहीं है, टफ है ज़्यादा, कोई आसान नहीं है. ऑब्वियस बात आप लोगों ने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर में आपको पता होगा कि बहुत बड़ा जंप आता है जब आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर में आते हैं. फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये वाली यही होती है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना कैसे. हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो फेस हुआ था कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना क्या है, क्या है, हाँ कैसे, क्या सिलेबस आप कितने अलग से. सपोज आई रिमेंबर जब इतना सिलेबस देखा था 2 months में, तो पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, हो जाता है. पर लेकिन आपको उस टाइम लग रहा होता है कि कैसे होगा इतना कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा जंप आता है. तो आहान के स्टूडेंट्स को वो भी कर रहे हैं, साथ साथ रिसर्चेस भी अगर कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो ये स्पून फीडिंग नहीं है. ये बहुत ज़्यादा टफ है. लेकिन उनको एक और बेनिफिट भी ये होता है, आई हैव हर्ड कि जैसे जो AKU के एलुमनाई होते हैं ना,
फिर वो एक एक स्टूडेंट्स को सपोर्ट बहुत ज्यादा, लेकिन वो तो उस वक्त करेगा ना कि एक स्टूडेंट पास हो गया, सब कुछ हो गया, वो उस लेवल तक पहुंच, इंटरव्यू भी उसने कर दिया, सपोर्ट तो मिल गई ना उसको आगे जाके। देखें वो तो उस लेवल पे आके सपोर्ट होगा उसको, शायद थोड़ी मिल जाए, जो भी लोग कहते हैं आई डोंट नो कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन अगर सपोर्ट मिलती भी है वो तो उसी बेसिस पे मिल रही है ना कि कोई दो कैंडिडेट बिल्कुल सेम डिटो चीज पे ऊपर आ गए, सेम इंटर्नशिप, सेम एक्स्ट्रा करिकुलर, सेम स्कोर, उसके बाद जाके एक थोड़ी सी फेवर अगर मिल जाए और उसके बाद भी इंटरव्यू पे अगर उनका ऑलमोस्ट सेम गया है, ये बहुत रेयर सीन है। मेनली आपका स्टिल आपकी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हाँ तो उस पर डिपेंड हो रहा था। खैर ये तुम थोड़ा अंदर का हाल अंदर वाला बंदा ही जान सकता है, एक ही वाले को इनवाइट करें जैसे हमें डाओ का सब पता होगा, लेकिन ऐसा ही है। खैर ये तो थोड़ा उस डिस्कशन से उधर चले गए। एक जो कॉमन सवाल है लोगों का, ये मैंने अपनी ना जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरी सबसे पहली पॉडकास्ट है उसमें भी मैंने ये सवाल पूछा था कि बहुत कॉमन होता है कि अगर कोई समय स्टूडेंट पास एम कैट और तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अगर कोई ना कर पाए अपना फेल हो जाए टेस्ट में या अच्छा स्कोर ना कर पाए तो क्या ऑप्शन है, कि वो रिपीट करें या फील्ड चेंज कर लें। अच्छा बहुत से लोग हमारे स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँ ना तो वो MBBS या BDS में ना अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से आते हैं, तो अब उन बच्चों का जो मतलब अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से आते हैं उनको तो वैसे भी शौक नहीं होता कि MBBS परस्यू करना है, लेकिन अगर ऐसे हालात हैं कि मतलब उसको शौक नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि वो दूसरी फील्ड में जाए, क्योंकि MBBS एक ऐसी फील्ड है जो आपसे ना डिटर्मिनेशन मांगती है, ठीक है, और ये सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, ये कोई 10-12 साल जर्नी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि MBBS के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि MBBS के बाद आपने FCPS देना है अगर पाकिस्तान में रेजिडेंसी करनी है, फिर उसके बाद FCPS पार्ट टू देने, फिर 10-12 साल बाद जाके आप कुछ बनते हो, तो लाइक फिर अगर जिस इंसान का अंदर इतना डिटर्मिनेशन है कि वो इतना कर सकता है तो लाजमी रिपीट कर ले, ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका, जैसे अगर मैं इस साल की बात करूँ, जैसे मैं खुद बेसिकली MDCAT स्टूडेंट को गाइडेंस देती रहती हूँ ना तो मुझे आइडिया है ना, तो अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे जूनियर्स जिनके इंटर में परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी, 90s में आई थी, अभी की बात कर रही हूँ, लेकिन उनका MCAT स्कोर अच्छा नहीं आया जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ। इस साल की बात कर रही है, पिछले साल की बात? इस साल की, इस साल बहुत हुआ है, मैंने बहुत 2020 हाँ उसकी, तो ऐसे बच्चों के लिए आई वुड सजेस्ट के ट्राई कर ले रिपीट, एक साल कर ले, बिकॉज रिपीट करने में ना कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं MBBS के बाद एक गैप ईयर ले लेते हैं तो इवेंचुअली बराबर ही हो जाते हैं, अगर रिपीट करके भी ना हुआ तो फिर मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस साल रिपीट किया फिर गवर्नमेंट में नहीं हुआ। अच्छा मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आए थे कि रिपीट करें ना करें, मैंने उनको साफ मना कर दिया, मैंने कहा नहीं करो, कुछ लोग आपको पता होता है नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, आपका साल बचा रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, शी वाज लाइक इसके 74% थी, मैंने कहा रहने दो, अगर तुम इंटर दोबारा करके इम्प्रूव करोगे तो करना, लेकिन इस परसेंट में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर उसने फिर अपनी फील्ड चेंज कर ली, क्लोज मार्जिन से रहेगी तो देन रिपीट कर लें। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लाइक शौक ही नहीं है तो फिर वो ऑब्वियसली दूसरी फील्ड में जाए, बिकॉज यार एक ही जिंदगी है। और बिकॉज सो ट्रू, जब हम अभी आए ना इसके अंदर, सो वी ऑल नो कि ये वो एक महीने की बात होती है, ये वो एक फेज होता है, एक महीने का बस, उसके बाद वो सिर्फ इंटर तक होता है कि व्हाइट कोट पहनना है। हाँ। एक दिन पहले अच्छा वही शौक पूरा हो गया, खत्म हो जाता है। व्हाइट कोट का क्रेज तो खैर मुझे अब तक नहीं हुआ, मेरा 2 साल हो गया। वो तो डिपेंड करता है, कुछ लोगों का एंड तक रहता है वो, खैर लोग यूनिवर्सिटी का होता है ना, मेरे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और मेरा नहीं हुआ, लोग क्या बोलेंगे या पेरेंट्स का, वो आई गेस सिर्फ एक महीने के बाद। आई गेस MBBS की फील्ड ना ऐसी है जो ज्यादातर ना हम लोगों से डिपेंड करते हैं कि लोग क्या कहेंगे मेरा MBBS नहीं हुआ, लाइक अपना किसी को शौक नहीं होता। ये बहुत हिट होता है ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ऐसे, क्योंकि मेरा जब नहीं हुआ था ना तो बिकॉज क्योंकि मेरे जब 11th के ग्रेड्स वगैरह आए थे तो मेरे घर वालों को दोस्तों को सबको एक्सपेक्टेशन थी मुझसे कि हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा आप समझ लें कि पूरे कॉलेज में तो जिस कॉलेज में मैं था तो समझ लें 2nd highest ग्रेड से मेरे, सही है, मतलब क्योंकि 1st highest तो 3 ASR वाले थे, उसके बाद 2 ASR एक वाले बचा, तो तकरीबन मतलब टॉप लिस्ट में मैं था पूरा उनके, तो उसके बाद मुझे शुरू से ही मतलब मेरा AS का जब रिजल्ट आया उस वक्त हबीब यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, हबीब यूनिवर्सिटी का एक अवार्ड शो होता है पूरा, वो पूरे 11th के पूरे कराची से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने मुझे उससे बुलाया था, तो मेरा वहाँ मुझे उनको उनसे तुम लोगों की मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा तो आराम से हो जाएगा, बहुत सारे मेरे से नीचे वालों का हो गया, बहुत सारों का, मैं उनके लिए खुश हूँ उनका हो गया, नहीं ठीक आपकी थोड़ी किस्मत भी होती है कि क्योंकि आपका हाँ आपका ऑन द स्पॉट तो 2 या 2.5 घंटे का जो टेस्ट है आपका, उसमें अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाए, बहुत सारी चीज़ें आपको आती होती है नहीं परफॉर्म कर पाते, आप स्ट्रेस ले जाते हो या आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, मैं ऐसा कहीं पड़ता ना ब्लैंक हो जाता हूँ बैठे बैठे, तो वो खैर लेकिन वो ना उस वक्त फेज़ होता है जब मेरे साथ नहीं होता, मुझे हो रहा था यार मेरा शुरू से प्लान था मैं या तो प्लेब दूंगा जो कि प्लेब भी खैर अब UKMLE में कन्वर्ट हो रहा है, UKMLE या मैं USMLE में जाऊंगा, तो मेरा शुरू से प्लान था, तो मुझे जब नहीं हुआ ना तो मुझे था यार लोग क्या कहेंगे या इसका तो इसमें तो हुआ नहीं, USMLE का करेगा तो बहुत बड़ी बात है, मैं लाइक मुझे अब मैं देखूँ ना तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क भी मतलब ऑब्वियस बात है
जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत। नहीं आप खुद सोचा, आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कहाँ के ग्रेजुएट आओ कि नहीं मैं इलाज नहीं करवा, ऐसा तो नहीं होता ना बाद में कुछ मैटर, ये सिर्फ टेम्पररी है। जो मैं बात करी थी ना कि वो पैशन वाली जो हम लोग, ये खतीजा ने बात की, बहुत से लोग अपने फैमिली के प्रेशर पे आते हैं। आई वाज दैट किड, शौक नहीं था, नहीं मुझे शौक नहीं था, मेरे अब्बा ख्वाब था कि चारों बेटियां डॉक्टर बनानी, यू नो, एंड मुझे था चलो ठीक है, नहीं सेकंड नंबर, इफ ऑलरेडी एक पहले डॉक्टर थी, दूसरी ये कि ये इसने भी बनना है, बनना है, बनना है, ठीक है, अभी तीसरी भी आ गई है, माशाल्लाह भी आ गई माशाल्लाह, ठीक है। तो ये कोई प्रेशर था कि मुझे फैमिली की साइड से कि यार इसने एमबीबीएस में जाना है, एमबीएस में जाना है, तो मैं बस अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मियां मेरा कर दें कर दें। और अब नाउ ना मुझे पता है कि अब हो गया एमबीबीएस, नाउ व्हाट, नाउ अब क्या आगे क्या करना है, ठीक है। अब मुझे, अब यू वॉन्ट बिलीव कि अब जो मुझे काम जो मुझे मजा आता है ना, जिन कामों में सपोज वो सोशल मीडिया हो गया, एडिटिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ हो गया, बाहर जाना, स्टफ लाइक दैट, लोगों से इंटरेक्ट करना, अब मेरा ज्यादा फोकस उसकी तरफ है। अब पढ़ाई को सिर्फ लाइक, अब यू वॉन्ट बिलीव मैं एक दो घंटा दे रही होंगी। सो एट द एंड ऑफ द वही बात है, जिस इंसान का इंटरेस्ट नहीं है तो वो अल्टीमेटली वो नहीं कर सकता, एमबीबीएस ही नहीं कर सकता, तो वो एक फील्ड हो जाती है। तो यूट्यूब वगैरह किस तरह मैनेज कर लेती है साथ साथ पढ़ाई के, मसला नहीं होता मतलब? शुरू में बहुत मसला होता, शुरू में मैंने बोला है ना अभी, जैसे कि वो मेरा पैशन था तो मुझे मजा आता था वो काम करने में, और पढ़ाई से मैं दूर भागती थी, मतलब पूरा पूरा दिन अगर मैं एडिटिंग को दे रही हूँ, छः सात घंटे दे रही हूँ, तो पढ़ाई को मैं बोलूँगी थक के सो जाऊंगी, नहीं पढ़ूंगी ढीटो की तरह, ठीक है, ऐसा होता था। तो बट वही जब ऐसे ऐसे एग्जाम्स आए तो वही कि एक चीज को साइड पे रखा यूट्यूब को, और फिर एग्जाम्स कैसे किया, तो पूरा एडजस्ट कर लिया चीजों को, हाँ पूरा एक चीज को फिर इस तरह से एडजस्ट हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स की सोशल लाइफ नहीं होती, और ये सच बात है, वैसे नहीं होती, बहुत कम होती है कंपैरेटिवली, बाकी से देखें कंपैरेटिवली कम होती, लेकिन होती है, ऐसा नहीं है, वो बंदे की अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है सोशल लाइफ, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसी फील्ड में होते हैं लेकिन फिर भी इंट्रोवर्ट रहते हैं, मतलब जिसमें सोशल लाइफ एक्सपेंड करते हैं फिर भी इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं, आई गेस ये पर्सनालिटी, जैसे कि जैसे आर्ट्स पढ़ाई का होता ना होता, लेकिन है मतलब अगेन बंदों पे है, डाओ की एक बात बहुत अच्छी लगती है, डाओ के लोगों में बहुत एक्टिविटी है, लाइक आई सी सो मच एनर्जी इन एवरी स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे आई ना तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी मेरे सीनियर्स, लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट डाओ इज सीनियर्स, दे आर सो फ्रेंडली एंड दे आर सो वेलकमिंग, और उनमें इतनी एनर्जी है कि उनको देख के आप खुद इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार ये बंदा कर सकता है। डिड यू जॉइन एनी सोसाइटी या ऐसा कोई सीन होता है डाउन? हां डाउन में बहुत है, सोसाइटीज नहीं है डाउन में ज्यादा, लेकिन एनजीओ सिस्टम बहुत ज्यादा है वहां पे। तो कौन सी एनजीओ में ज्वाइन किया था? हम लोगों ने पीडब्ल्यू में ज्वाइन किया था, मैं ज्यादा पीडब्ल्यू में एक्टिव रहती हूँ, और सोच है पीडब्ल्यू बेसिकली पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, इसकी दो सर्विसेज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज और थैलेसीमिया डे केयर सर्विसेज। अब थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको मतलब बार बार ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है ना, तो हम उनके लिए ब्लड अरेंज करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लड बैंक पीडब्ल्यूए के पास है, लाइक हम पूरे कराची को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा काम बेसिकली रहता है कि ब्लड डोनर्स जमा करना, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स रखना, थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड देना, तो बहुत अच्छा है, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी एनजीओ हैं, सोच साया और बहुत एनजीओ, बट हमने सिर्फ एक ही दो ज्वाइन किए अभी तक, तो और फ्रिप है, फ्रिप तो खैर और भी जगह पे है, सिर्फ डाउन में नहीं है सोसाइटी। वैसे आई गेस जेएसएमयू में मैंने सुना है बहुत ज्यादा एक्टिव है सोसाइटी, आई गेस अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, प्राइवेट में, हां हां प्राइवेट में होता है एनजीओ सिस्टम वगैरह कुछ। एनजीओ इस तरह, एनजीओ इस तरह तो डायरेक्टली जैसे आप लोगों का इतना ऑब्वियसली डाउ का तो थैलेसीमिया का मैंने पहले सुना है भाई, बहुत बड़ा सिस्टम का है, लेकिन इस तरह होता है उनका, वो है हमारा क्या कहेंगे उसे कि कम्युनिटी सर्विस की है, कम्युनिटी सर्विस की हो गई, और उसके बाद आर्ट्स की हो गई, वो तो फिर अलग फील्ड में ना, मतलब डिफरेंट सारी सोसाइटीज़ हैं प्रॉपर। तो आपका जहाँ पे जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं, मतलब जैसे अगर मैं लिख राइटिंग भी करता हूँ ना, तो अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ, कोई सिंगिंग करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई आर्ट्स करता है, कोई स्पीकर है, कोई डिबेट में अच्छा है, और उसके बाद मतलब आपके अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल जैसे कम्युनिटी सर्विस है, एनजीओज हैं, ये कहीं ना कहीं मेडिकल से लिंक हो जाती है। अब आपने जैसे बात की ना कि सिंगिंग वगैरह में, तो मतलब एक स्टिग्मा, मतलब एक जनरल व्यू ये होता है ना कि एमबीबीएस के बच्चे सिर्फ पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, काफी हद तक ये स्टिग्मा सही भी है, आप बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लें। मैं डाओ की बात करूं तो यहाँ हर कोई पढ़ता भी है और दूसरे काम में भी। आप आईबीए की बात कर लें, आईबीए के स्टूडेंट्स को आप कंपेयर कर लें मेडिकल के स्टूडेंट के साथ, आईबीए के स्टूडेंट्स की ठीक है, आईबीए के स्टूडेंट्स की वो मैं आईबीए रैंक नंबर वन है उसमें अपने जिस फील्ड में वो जो कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली बात है कि उनकी फील्ड्स ऐसी हैं कि उनके स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा होना पड़ता है, हाँ तो एक्स्ट्रा, हाँ उनको इंटरेक्ट कराना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है अगर कोई आईबीए से
PBA कर रहा है या MBA है या कुछ भी कर रहा है तो ऑब्वियस बात है अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो उस फील्ड में वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। मेडिकल वालों की भी एक सेटबैक आ जाता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है पढ़ाई को, अगर हम नहीं दे आपको ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। अगर आप सपोज आज का आज नहीं पढ़े तो अगले दिन अगला इतना ज्यादा हो कि आप अल्टीमेटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो मैं बता रही ना कि मेरा अगर थोड़ा सा जाऊँ ना टूवर्ड्स सोशल लाइफ और इस तरह से होने लग जाए तो फिर मेरी मेडिकल पीछे ही रह जाती है। अच्छा जैसे आप सोशल लाइफ सोशल मीडिया यूज करते हैं कुछ करते हैं सो डू यू थिंक सोशल मीडिया कॉजेज डिप्रेशन इन यंग जनरेशन? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। कैसे? जैसे मैं अगर अपनी आई डोंट नो इसके क्या एग्जांपल, मेरा ये था कि सपोज अगर आप सोशल मीडिया पे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, ऐसा नहीं मैं सबकी बात कर रही हूँ, तो आई फील लाइक कोई अपने ना जो डार्क डेज होता है वो कोई नहीं शो करता सोशल मीडिया पे, और ना ही कोई बताता है कि सपोज कोई बुरा टाइम से जा रहा है, कोई अपना बैड मोमेंट शेयर नहीं करता, हर बंदा अपनी बेस्ट पिक्चर लगाता है, सब कुछ बेस्ट हो रहा है। एंड सपोज इफ यू आर गोइंग टू नो सम बैड डेज और इस तरह से और आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो और आप देखते हो यार एक बंदे ने अपनी गाड़ी ले ली, एक बंदे का इधर एडमिशन हो गया, एक बंदा ये अचीव कर, सो यू फील लाइक यू आर डूइंग नथिंग। सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है यार आप तो कुछ कर ही नहीं हो, बाकी पूरी दुनिया सब अचीव कर ही रहा, बाकी से पीछे हो। इवन दो वी ऑल नो कि हम लोग सिर्फ एक बहुत आई फील लाइक 0.1% शो करते हैं अपना सोशल मीडिया पे, बाकी असल लाइफ तुम्हारी बिल्कुल ही कुछ और होती है। तो इसलिए ये डिप्रेशन है। दूसरा आई फील लाइक इंस्टेंट जो है ना कि अब सब कुछ शॉर्ट्स में आना शुरू हो गया, लाइक 0.1 सेकंड की सेटिस्फेक्शन और खुशी, हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जो हमें रियल लाइफ में जो इंस्टेंट नहीं मिलती ना शॉर्ट्स ऑफ खुशी वगैरह नहीं मिलती, तो एक बहुत बड़ा वो होता है सेटबैक। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, इसको अगर मैं थोड़ा और एलैबोरेट करूँ, लाइक अगर हम देखें ना जिंदगी में हर चीज़ ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को सब्र करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप कुछ बच्चे तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते, ठीक है, और फिर मतलब 2 साल बाद जाके आपको कहीं भी एडमिशन होता है, अभी एक स्लो प्रोसेस है, राइट। लेकिन सोशल मीडिया आपको कहता है कि आपने हर चीज़ ना फास्ट लेनी है, लेकिन हर चीज़ फास्ट नहीं मिलती, और जो चीज़ जल्दी मिल जाए ना उसकी फिर कदर भी नहीं रहती। और दूसरा ये जैसे कंपैरिजन की बात की कि हाँ यही बात है कि हमारे अब दिन में 24 आवर्स होते हैं, उस 24 आवर्स में से 5 मिनट मेरा हैप्पी मोमेंट गुजरा, उस हैप्पी मोमेंट को मैंने कैप्चर किया आपने स्टोरी पे लगा दिया, अब लोगों को लग रहा है इसकी जिंदगी यही है बस, ठीक हाँ। है अब दैट इज हम लोग वो उसको फिक्स कर। पर डोंट यू थिंक्स के अच्छा मैं खुद एग्री करता हूँ इस बात से कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है सोशल मीडिया एंड डिप्रेशन के ऊपर, मैंने अब तक वो अपलोड नहीं किया और आई डोंट नो कि मैं ये पॉडकास्ट पहले अपलोड करूंगा या वीडियो पहले अपलोड करूंगा, लेकिन मैंने उसके लिए पूरी रिसर्च की थी फिर ना कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल्स के देखे थे, न्यूज़पेपर्स देखे थे कि इसमें कहाँ कहाँ, और इस पर प्रॉपर रिसर्चेस हुई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने रिसर्च किया है इस पर और डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्चेस किए हैं, तो ये प्रूवन है कि सोशल मीडिया कॉज डिप्रेशन। उसका एक वो भी हुआ था इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि आई गेस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया थी मेरे ख्याल से, कि उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए थे स्टूडेंट्स के और उन ग्रुप्स को ना एक स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था कि आपसे वो जी आई गेस 30 मिनट्स ऐसे कुछ था कि उसमें यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया पर डे, और एक को था कि आप नो रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो ये आई गेस 14 डेज चला था। और उसके बाद जो रिजल्ट था तो उन्होंने जब उनका सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन चेक किया तो जिन पर रिस्ट्रिक्शन थी ना उनका बहुत कम पर रिपोर्ट हुआ था सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन, तो ये तो प्रूवन है कि करता है। पर आई फील लाइक कि इसमें आपका ना सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं किसी पे जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि मेरे से नीचे वाले जो मतलब जिनके ग्रेड्स मुझसे थोड़े कम थे उनका मेरिट पे भी बहुत सारी जगह पे हो गया, तो मुझे उन पर खुशी है कि यार इनका हो गया, बहुत अच्छी बात है इन लोगों का हो गया, इसमें वो नहीं है मुझे कि इनका क्यों हो गया, तो वो मैं वो नहीं कर रहा कि मैं ऐसा सोचूं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आपका जैसे आपने किसी ने 5 मिनट्स का हैप्पी मोमेंट अपना डाल दिया तो आपको तो खुश होना चाहिए ना उस पे, क्या इसका अच्छी बात है अगर है नॉर्मल स्टेट पे तो वी आर लाइक हां इट्स ओके यू एक्चुअली फील गुड नहीं उस वक्त तो यू फील गुड लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड ना एक होता है ना सबकॉन्शियस वर्ल्ड है ना आपका सबकॉन्शियस वर्ल्ड हमारे ये जाता है कि सपोज अगर मैं एक मेरा बहुत बुरा दिन गुजरा है, ठीक है, आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगा आई एम अ लूजर और फिर मैं एक सोशल मीडिया पे देखती हूं तो अल्टीमेटली आई नो मैं अपने नॉर्मल स्टेट पे तो मुझे ना जेलस फील होता है कुछ भी होता है कुछ ऐसे वो होता ही नहीं ऐसा होता है, बट अगर मैं एक बुरे दिन से गुजरी हूं डिप्रेशन का रिलेशन ना हमारे अंदर की दुनिया से ताल्लुक है, अंदर की दुनिया में आपके मेंटली आप कैसे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ना दूसरों की खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती, तो ये आपका इंटरनल भी तो कुछ मैटर करता है ना कि आप अंदर से कैसे हो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरी खुशी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन यही है कि आप एक्सेसिव तो हर चीज़ बुरी होती है, चाहे मैं एक्सेसिव पानी पीऊँ वो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है, एक्सेसिव तो हर चीज़ ही बुरी है ना, एक्सेसिव एनीथिंग इज़ बैड, ये तो एनीथिंग इज़ बैड, तो फिर उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। आप मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया यूज़ ही ना करो, बिकॉज अब वो एक एसेंशियल पार्ट बन गया ना हमारा टू रिमेन कनेक्टेड विद एवरीवन, तो ये है कि रिस्ट्रिक्ट कर दो अपने आप को। हमारे पेरेंट्स हम बचपन में क्यों इतने डिसिप्लिन थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे 1 घंटे ज़्यादा कंप्यूटर नहीं मिलेगा,
तो हमारे लिए अच्छा होता था उस वक्त, तो बुरा लगता था कि हाय अभी और खेलना था, लेकिन इवेंचुअली हमारे लिए अच्छा होता था. तो सेल्फ पेरेंटिंग आ जाती है यहाँ पे, इफ़ यू आर लाइक अपने आप को करके रखें. मैंने पेपर्स के बाद इंस्टा डिलीट कर दिया था हाँ एंड माय एग्जैक्टली फ्रेंड्स वर लाइक कैसे किया हुआ तुमने इंस्टा इज माय बहुत लोग करते हैं, मैं आज तक नहीं कर पाया ऐसे. पर उसमें बताया मैं यूट्यूब को साइड पर रख दीजिए, अगेन अपनी अपने इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरह से अपने आप को लाइक पीछे करके रखे. आई फील लाइक जैसे तुम कह रहे हैं कि टाइम में लोग लगाते हैं इस तरह की चीज़ें, नहीं वो नहीं कह रहा मैं, अच्छी बात है. पर आई फील लाइक कि बहुत सारे हम में से लोग ना, जैसे मेरा फादर इज़ अ डॉक्टर, तो मुझे कभी कभी बताते भी हैं कि उनके पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो आई स्पेशलिस्ट हैं, तो वो बताते हैं कि पेशेंट आते हैं ना, तो पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारे बच्चों को आप बोलें कि यूज़ ना करें और ये मोबाइल यूज़ ना करें ना. सो मैं फादर से सेड टू मी के मैं हमेशा उन्हें ये बोलता हूँ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे या कंप्यूटर यूज़ ना करे. सही है, अब कहता है मैं उनसे अगर किसी की वालदा साथ है तो उनसे बोलता हूँ कि आप यूज़ करती हैं, मतलब आप रात को यूज़ करती हैं जी, हमें तो टाइम ही उस वक्त मिलता है यूज़ करने का. तो ऑब्वियस बात है कि अरे हम अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज़ करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो करेंगे. सेकेंडली एक और मैटर होता है कि आपका अगर आप अभी छोड़ दें इन चीज़ों को यूज़ करना, आपको फ्यूचर में आप क्या करेंगे? आपको कहीं जॉब में आप जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, एट देन आपको ये आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो आप उसको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं या अपनी आप लाइफ की जो मेन आपका गोल है उसे प्रायोरिटाइज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे लेके चलते हैं उसको. आप मेन गोल को प्रायोरिटाइज करेंगे, इसको आप सेकंड ऑप्शन पे रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई चीज़ ना बुरी नहीं होती, ठीक है, एज एन एसेंस खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है. छुरी है उससे मैं सब्जी काटूं किसी का गला काटूं किसका कसूर है? छुरी का कसूर थोड़ी है, छुरी चलाने वाले का कसूर है ना, कहाँ चला रहे हो. सही बात है, खैर अल्लाह खैर करे. अच्छा अच्छा अगर मैं एक आपसे दोनों से क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा रैपिड फायर टाइप हो जाएगा ये थोड़ा सा ना, आपसे मैं पहले पूछता हूँ कि इफ़ यू कुड बी ग्रांटेड 3 विशेस फॉर मेकिंग द वर्ल्ड सोसाइटी और योर कम्युनिटी अ बेटर प्लेस, व्हाट वुड दे बी एंड व्हाई? सबसे पहले तो मैं सिंध बोर्ड की किताबें बदलूंगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम है सिंध बोर्ड से, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यार वो आपको इतनी पुराने ज़माने, अगर आप इंडिया को देखें ना, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, उनका आप 7 क्लास के बच्चे बुक खोलेंगे ना, उनको वो प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से, तो बेसिकली आप एजुकेशन सिस्टम चेंज करें फॉर योर कम्युनिटी, बिकॉज आपकी जो पूरी लाइक किसी भी कॉम की जो बेसिक होते हैं ना, उसकी यूथ और उसकी एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी तालीम आता है. अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़े स्कूल खोल दूंगी, फ़ायदा नहीं, मुझे पता है आवाम कैसी है, स्कूल भी खोल के दूंगी ना, उसको पता नहीं क्या बना देंगे, भैंसे बंदी होंगी अगले दिन जाऊँगी मैं सिंध में, तो यही होता है हमारे यहाँ. तो ये है कि हमारी जो है ना लाइक मैं तो दिल हर टीचर को पकड़ के मैं उसको खुद बताऊँ, वो 3 डेट्स में था ना, पढ़ाना कैसे, पढ़ाने भी तो नहीं आता हमारे टीचर्स को, तो खैर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बुक्स करिकुलम ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, एक हो गया टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुझे. दूसरी चीज़ आई वुड से कि मैं इफ़ आई हैव इनफ मनी, तो मनी नहीं, अभी मनी नहीं आपके पास, मेरी विश है, ठीक है, मेरी विश है कि जैसे मेरी जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो है आई फील के हमारा जो इखलाक है ना, हमारे इखलाक पे कोई काम नहीं करता, किसी को मतलब भी नहीं होगा इखलाक क्या होता है, मतलब मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपको पता है कि इंसान की तरबियत, मतलब सोच बदलना चाहेंगे लोग, हमारी तालीमी इदारे तो बहुत हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, स्कूल बहुत पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, तरबियत नहीं है, क्यों कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, पैसा है ठीक है फिर भी चोरियाँ कर रहे हैं भाई, डॉक्टर बन के चोरियाँ कर रहे हैं जी, गलत बीमारियाँ बेचारी, ये क्या है हमारे अंदर की बीमारियाँ ना, तो ऐसे आई फील लाइक ऐसे सेंटर्स ओपन हो जाए जिसमें सिर्फ तरबियत हो आपकी, बच्चों के अलग हो माँ बाप के अलग हो, माँ बाप को ये नहीं पता बच्चों से कैसे बात करनी है, बच्चों को नहीं पता माँ बाप से कैसे बात करनी है, हमारी बेसिक्स इतनी ख़राब है हम लोग एज अ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बहुत एक बेसिक्स एग्जांपल है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे आपको पता है मक्का का हाल क्या था, लोग कैसे थे, कुफर था और जहालत थी, ठीक है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड विद हिज होम, उन्होंने पहले अपने घर की तरबियत की थी, फिर उसके बाद इस्लाम आया था, पहले तरबियत हुई थी, तो हमारा कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि तरबियत हो हमारी. तीसरा तीसरा अच्छा एज अ कम्युनिटी सोचना पड़ेगा यार, एजुकेशन सिस्टम हो गया, लोगों की सोच हो गई, हाँ लोगों की सोच हो गई, थर्डली फॉरन जो फर्स्ट इंस्टेंट माइंड में आया, फर्स्ट इंस्टेंट मेरे दिमाग में क्या आया था कुछ नहीं आया था अच्छा लेट मी थिंक, रैपिड फायर खराब हो गया यार, आई वुड सजेस्ट के आई वॉज गोना से सड़कें बना दो यार जो भी हो लोग कुछ भी कह लें सड़कें होनी चाहिए साहब
नहीं अच्छा लगता हम गाड़ी लेके बम्पर जो आ जाए वो सही है अच्छा शुभ्रम आपसे क्या अब बिल्कुल अच्छा ये रैपिड फायर की तरह होने चाहिए ऐसा होना चाहिए अच्छा इफ यू आर गिवन अ मिलियन डॉलर्स टू अचीव थ्री गोल्स व्हाट वुड यू वर्क ऑन एंड व्हाई पहले अगेन एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगे खतीजा वाली बात बिकॉज मुझे भी लगता है कि एजुकेशन का बहुत मसला है हमारे मतलब वही रट्टा फायर और सब कुछ ऐसा रट्टा लगाओ सब कुछ ये है पहले इंस्टीट्यूट बनाऊंगी दूसरा आई विल इन्वेस्ट इन NFTs मेटावर्स बिटकॉइन बिकॉज इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप सो वो मतलब बहुत ग्रो करेगी ठीक है तीसरी चीज मनीषा क्या करूँगी मैं हो गई ख्वाहिशें पूरी हाँ ये सही बात है ख्वाहिशें पूरी अच्छा सर मैं बड़ा सा घर लूँगी अच्छा वाला घर मतलब क्या हुआ मतलब क्या फुल जैसे अच्छा वाला सबके पैलेस टाइप घर आई डोंट नो पता है मुझे मेरी बहनें भी इस बात पे बहुत रैंट करती हैं कि घर अब लाइक बहुत एक वो सेकेंडरी चीज लोग एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं स्टफ लाइक दैट बट मुझे एक अपनी ख्वाहिश है पैलेस टाइप घर इस तरह से अच्छा जैसे तुम बोले ना बहुत बहुत बड़ा घर लूँगे सो बेसिकली ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो सक्सेस उनका ये होता है कि हमारा सक्सेस ये है कि हम एक बड़ा घर लें बड़ी गाड़ी हो किसी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है किसी का नहीं भी होता ये व्हाट इज सक्सेस इन योर ओपिनियन अच्छा जो ये वाली बात है ना बड़े घर वाली ये बात तो मैंने काफ़ी पहले रियलाइज करी थी यार ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ से सक्सेस एसोसिएटेड नहीं है बिकॉज मैं जब सेकेंड ईयर में थी तो उस वक्त तो खैर मैंने डाउ को सोचा भी नहीं था कि मेरा डाउ में एडमिशन हो जाएगा बट ये था उस वक्त सक्सेस अगर आप देखें एक बड़ा घर या बड़ी गाड़ी दुनिया में सक्सेस तो आप कह सकते हैं ना नहीं मेरे लिए दुनिया में सक्सेस अगेन वो चीज़ होगी कि आप सपोज एट द एंड अगर आप घर जाते हैं सो यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ आप पीस पे हो यू फील लाइक यू हैव डन इनफ आप अपना बेस्ट कर सकते थे इससे ज़्यादा आप सपोज आप इतने बड़े घर में रह रहे हो इतने बड़े बेड पे सो रहे हो आपके पास सब कुछ है एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट हैप्पी यू फील लाइक यू आर समथिंग इज स्टिल मिसिंग और ये मेरे साथ हुआ है ठीक है पहले मैं सोचती थी यार कि मैं मेडिकल में होगा तो जिंदगी ऐसे हो सबसेट ठीक है यूट्यूब बनाऊंगी ये होगा सब कुछ सबसेट फिर भी अगेन वो चीज थी ना हाँ वो मिसिंग थी देन आई गॉट किसी ने क्वेश्चन पहले मुझे बोला कि सक्सेस उनकी नज़र में क्या है ना किसी ने अपना बताया था मुझे कि दो ख्वाहिशें थी पहली ख्वाहिश ये थी कि भाई उनके गैराज में आएगी पता नहीं फरारी है कौन सी कार थी वो हो और सेकेंडली ये कि जब दिल चाहे बिजनेस क्लास की ट्रिप टिकट करा के वो किसी भी ट्रिप पे जा सकें जब उनका दिल चाहे तो ये उनकी दो हैं कि ये उनकी लाइफ में जब हो गया तो वो ये समझेंगे कि ही और शी इज़ नाउ सक्सेसफुल सक्सेस जो है ना आई बिलीव जनरलाइज नहीं किया जा सकता हर इंसान का जो है ना एक पैरामीटर अलग होता है सोच का पैरामीटर ठीक है अब कोई बंदा है ठीक है वो कमा नहीं सकता सही से उसके बच्चे भूखे हैं उसके लिए सक्सेस ही होगा कि मैं अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी खिला सकूं तो हर किसी का ना सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना पूछा था कि व्हाट इज सक्सेस इन योर ओपिनियन इन माय ओपिनियन मेरे ओपिनियन में यही है कि यार इफ यू आर लिविंग द वे इफ यू आर लिविंग लाइफ इन अ वे कि आप कंटेंट हो अपने आप से आप राजी हो अपने आप से ठीक है हम लोग ये क्यों आपने सुना आपने कभी अगर आप कभी रिसर्चेस पढ़े आपको दिखेगा मैं एक रिसर्च मैंने देखी थी कि क्लिफ्टन में कार्डियक इश्यूज ज्यादा होते हैं दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं कार्डियक में तो मैंने कहीं देखा था ये तो ये अमीरों को क्यों होती है बीमारियां भी है कि यूएस में ज्यादा कार्डियक क्यों होते हैं उनके पास तो पैसा है सब कुछ है अब जो लोग ये कहते हैं कि पैसे बड़ी गाड़ी होगी बड़ी अगेन ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है अब सब कुछ आपने अचीव कर लिया पर मुझे एक बात बताएं आप NSCVD चले हैं NSCVD में क्या आपको क्या कसर आपको लाइन से गरीब लोग मिलेंगे वहाँ पे क्योंकि अमीर लोग जाते ही नहीं तो वो कहाँ जाते हैं अमीर लोग एक ही जाएंगे एक ही जाएंगे ना आ खान एक ही एक ही कितने बेडेड है तो नहीं चलो बाकी अमीर लोग पाकिस्तान से बाहर जो जाते हैं कितने परसेंट लोग हैं इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं 1% भी नहीं होगा पूरा आप ये बताएं पाकिस्तान के कभी भी नहीं आएंगे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ NSCVD आते हैं पाकिस्तान में अमीरों की तादाद कितनी है ये तो देखें 2-3% उसमें से 1% अमीर 50% अमीर बाहर जा रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्रेफर नहीं करता इनको हॉस्पिटल्स को प्रेफर नहीं करता होगा हम सिविल भी जाते हैं हम सारे लाइन से गरीब बैठे होते कोई अमीर नहीं देखता कि ऐसा होगा ऐसा होता है ये होता है लेकिन खैर यार आई थिंक हमारा आप लोग कब से जाना शुरू होगा सिविल
हमारा ना एक नहीं आप लोग की तरफ से उसमें जा रहा हूँ क्लिनिकल तो आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ. हाँ हमारा नहीं हुआ, वैसे चक्कर लगा के आते ना घूम के साथ वाइब, वो वाइब लेने के लिए हॉस्पिटल आए हैं. मैं ये कहती कि हमारे यहाँ ना मिसकनसेप्ट है कि पता नहीं हमारे यहाँ ऐसे क्यों होता है, मुझे चिढ़ लगती है जो लोग पैसे को हैप्पीनेस से कंपेयर करते हैं. भाई हैप्पीनेस जो है ना एक हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, मनी इज़ ए मटीरियलिस्टिक थिंग. आप एक अगर मैं लाइक ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर करो जो कंपेयर हो ही नहीं सकती, ठीक है. तो हम लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि पैसे को ना हैप्पीनेस से एसोसिएट करना लाजमी है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं आती, वो भी गलत कहते हैं. आती है खुशी भाई, जरूर आती है. नॉट सेइंग नहीं आती. सपोज अगर देखो ना, हाँ भाई भाई वाली बात है, अगर एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ ठीक है जहाँ पर बिजली नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो अल्टीमेटली परेशानियां होंगी ज्यादा. अगर हम कोई परेशानियां ज्यादा इंक्रीज होंगी नहीं. अगर मैं आपको बोलूँ कि रेड शर्ट है ब्लू शर्ट है, रेड शर्ट पहनने से आपको खुशी मिलेगी, वुड यू बिलीव मी? अब बोलेंगे यार इसका ताल्लुक क्या है. तो मैं ये कहती हूँ मनी का आपने से ताल्लुक क्या है, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट थिंग भाई. आई फील लाइक ऐड कर देते हैं, इट्स लाइक विदन, इट्स लाइक हां वो चेरी ऑन द टॉप वाली सीन हो जाती है. मैं फील लाइक अब मैं बताया ना मनी अगर हो, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटिस्फाइड सिस्टम आपका पूरा सेट हो तो फिर आप ज्यादा बेहतर कोई चीज को एंजॉय कर सकते हो. ये होता है, ये फैक्टर होता है. आप लोग अपने आप को अभी कहां देखते हैं 20 साल बाद? आपको क्या लगता है कि आप किस स्टेज पे होंगे, आप जिसको खुद सक्सेस या हैप्पीनेस बोलते हैं? सो आपको क्या लगता है आपको अचीव करने में कितना टाइम लग जाएगा उस चीज को? 10-12 साल. नहीं मेरा मतलब बिलीव क्या है, अगर मैं सपोज अपने आप को एक चीज के टाइम दूँ ना, टाइम सपोज मैंने अपने जो गोल सोच रखे हैं मुझे ये करना ये करना ये करना है, अगर मैं अपने आप को व्हाट आर योर गोल्स बाय द वे, अभी आगे फ्यूचर एमबीबीएस के बाद क्या करना है? फ्यूचर गोल्स मैंने ज्यादातर टुवर्ड्स सोशल मीडिया इस तरफ ही गोल्स. अगर मैंने अपने करियर के हिसाब से क्या सोचा कि एमबीबीएस के बाद क्या करना है आगे? MBBS अभी स्पेशलाइजेशन क्या सच मैंने कुछ सोचा नहीं किया, इधर स्पेशलाइजेशन करनी ये करनी वो करनी है, बिकॉज अभी MBBS इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग, यही हो जाए मेरी बड़ी बात है. तो उसके बाद वो उसका सोचा है कभी कि MLE करना है या UK MLE? अभी तक मैंने उससे वही बताया ना कि कोई प्लान नहीं है, जैसे वैसे उसके प्लान नहीं था मेरा कि डाओ में आ गया इस तरह, मुझे था कि जो ना इंस्टेंट किस्मत लेके जा रही है, किस्मत लेकर जा रही है, जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं वहाँ पर जहाँ किस्मत मुझे लेके जा रही चलती रहे, जहाँ मेरा इंटरेस्ट है जहाँ मैं कर सकती हूँ. आई फील है कि वही टाइम लिमिट वाली बात है कि मैं अपने आपको 10 साल दूंगी तो वो चीज़ 10 साल में होगी. सो जो मैंने अपने सेट को जो मैंने सोचा कि यार 5 साल मुझे ज़्यादा बेहतर है, तो आई वॉन्ट कि मैं MBBS के एंड पर जो मैंने पर्टिकुलर चीज़ें सोची हुई अपने साथ साथ तो वो भी मेरे अगर हो जाए ज़्यादा बेहतर होगा. तो ये है सही MBBS में आगे. वैसे आई बिलीव कि आपके ना गोल डायनामिक हो जाते हैं. फर्स्ट ईयर में कार्डियक सर्जन बनने का शौक होता है, सेकंड ईयर में सबको कार्डियक सर्जन बनने का शौक होता है, वाह ऐसा 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 ECG देख के बड़ा मजा आया ना, वाह ऐसा ऐसा कैसे करते हैं डरमा पे आ जाते हैं, हम टारगेट नहीं कर रहा किसी को, कोई बहुत अच्छी फील्ड है. गायनेकोलॉजिस्ट बनने का दिल करता था मुझे, पहले साइकेट्रिस्ट बनने का शौक था मुझे, बिल्कुल मुझे गायनी का, मुझे लोग कहते थे कि तुम गायनी हो, लेकिन मुझे मतलब मुझे एम्ब्रियो समझ भी आते थे, वाहिद सब्जेक्ट मुझे एम्ब्रियो समझ आती थी, मुझे मजा आता था पढ़ने में, मुझे एम्ब्रियो से नफरत है. हाँ मुझे एम्ब्रियो मजे की लगती थी. आज नहीं गायनी बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन एट देन आपको ना अच्छी फील्ड जो आप जिसको बोलते हैं शौक भी होता है, और दूसरा आप ये भी सोचते हैं कि यार पैसा कहाँ से आएगा, हर किसी एट देन इवेंचुअली अगर कोई ये बोलता है ना मेरे पैसे पैसे के लिए नहीं काम कर रहा तो झूठ है मुझे लगता है, हर कोई करता है ऑब्वियसली बात. बट आई फील यार आप पैसे के लिए काम क्यों ना करो, क्यों भाई क्या बच्चों का पेट नहीं मानना क्या, क्यों करो भाई करो. आई फील कि पैसे वाली बात की ना, आई फील किसी से नहीं करना है एसोसिएट, सही बात नहीं, बिकॉज डर्मा भी अगर वो बेस्ट वाला डर्मेटोलॉजिस्ट है वो भी सही पैसा. हाँ ये तो है, कार्डिक बेस्ट है तो वो उसको भाई. इसमें ना एक और चीज आती है जो मुझे लगता है कि वो तो बात ठीक है कि स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपका होता है, अगर आप किसी अच्छी स्कोप में है तो. लेकिन एक और चीज यहाँ ये मुझे लगता है कि डिफर कर जाती है, एक फील्ड है उसका जनरली बहुत ज्यादा स्कोप है, सही है? अगर आप कहते हैं जनरल स्कोप ज्यादा है तो उसमें आप अगर एक एवरेज भी है ना आप अच्छा उसमें आप कमा सकते हैं. एक चीज है उसका उस रीजन में उस कंट्री में स्कोप कम है, अगर फॉर एग्जांपल तो जैसे BDS में बहुत सारे लोग बोलते हैं डेंटिस्ट्री का बाहर वाले कंट्रीज में कंपेरेटिवली पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान वहां ज्यादा है कंपेरेटिवली. तो अगर आप पाकिस्तान में अगर किसी चीज का स्कोप कम है तो आपको उस फील्ड में अपने आप को बनाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा या आपको अबव एवरेज जाना पड़ेगा, तो ये हर बंदा नहीं कर पाता. हाँ, है तो अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जो आपने ऐसी फील्ड चूज की है तो आप एवरेज में होंगे तो अच्छा कमा लेंगे ना. हाँ, जैसे बिजनेस है, बिजनेस से पैसा बनता है. लेकिन नहीं बिजनेस तो आप बहुत एक डिफर करके ना वास्ट फील्ड लोगे, बिजनेस से आप बिजनेस आप कौन सा. आई गॉट योर पॉइंट. जैसे लास्ट ईयर हमारे पास मेरी रेजिडेंट वो थी, रेजिडेंट थी, शी वाज लाइक उन्होंने अपनी फील्ड स्विच की डर्मा से, और व्हेन आई आस्क्ड हर क्यों डर्मा से आपने क्यों स्विच की, शी वाज लाइक यहां पर डर्मा की जॉब्स ही नहीं मिलती. वो ऐसी नहीं कि नॉर्मल बंदी है, वो बंदी आप किसी डर्मा के क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली डर्मेटोलॉजी से बहुत वास्ता पड़ रहा है. सही है, मेरे अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना मुझे जाना पड़ रहा है. सो मैं कल मैं एक डर्मा के पास गया, मैं बैठे बैठे ऐसे सोचा था कि हम लोग हर किसी की सोच होती है ना कि कितने कमा लेते होंगे हर किसी के अपना, तो हर किसी जनरली हर किसी का देख रहे होते हैं.
सो मैं खैर उनके उसमें नहीं देख रहा, लेकिन आप अगर किसी डर्मा के पास डेंटिस्ट के पास चले आपको ले जा रही है तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, और अगर आप किसी जनरली आप उसमें फील्ड देखो आपको लगे तो कमा ही नहीं रहे लोग, यहाँ पे है ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज में कम है ना, उस अपॉर्चुनिटी उस फील्ड में आपको जाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। और आप गायनी में चलिए, आप गायनी में फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गायनी पाकिस्तान में स्कोप ज़्यादा है कंपेरेटिवली, क्यों, बिकॉज 60% पेशेंट्स हैं गायनी के, जो कुछ पहले का सर्वे था तो मैंने आई का और गायनी का देखा, आई के आएगा, आई के आएगा 9% पेशेंट से जनरली, और गायनी 60% पेशेंट से, नहीं सॉरी 60 नहीं ज्यादा है, क्योंकि एक पेशेंट 3 से 4 दफा आएगा आपके पास, हाँ वो 100 से भी ज्यादा हो जाएगा, 60 किसी और फील्ड का था सॉरी, तो वो ऑब्वियस उसमें आप एवरेज भी होंगे तो आप कर सकती हैं काम, तो ये तो डिफर करता है हर जगह, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, आ जाते हैं बिल्कुल आ जाते हैं। अच्छा तो बिल्कुल अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का, आप जैसे हमारे जो पॉडकास्ट का टॉपिक है लाइफ एट लाइफ पता नहीं जियाउद्दीन में क्यों बोल देता हूँ लाइफ एट डाउ यूनिवर्सिटी, तो खैर तो उसमें लास्ट क्वेश्चन के आप लोगों को डाउ यूनिवर्सिटी में अब तक क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगे, या ऐसे की प्रॉब्लम आपको उनको ओवर करने में टाइम लगा हो कि जो न्यू स्टूडेंट्स डाउ यूनिवर्सिटी में आएंगे उनको आप बोलना चाहें। अच्छा सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो स्टडीज से रिलेटेड थी, मुझे ये नहीं पता था बुक्स कौन सी पढ़नी है, ठीक है, लाइक देवर क्योंकि हर इंसान की ना कैपेसिटी अलग होती है पढ़ने की ना, मैं जिस सीनियर के पास जाती थी वो बोलता था ये किताब पढ़ लो, कोई कहता था लाइक हुसैन बुरी है, कोई कहता था जिंकरा पढ़ लो, ठीक, कोई कहता था गाइटन तो बहुत बुरी है, कोई कहता था गाइटन का पेपर ही नहीं निकलेगा, तो मुझे सबसे जो लाइक शुरू के 3-4 महीने तो मुझे सिर्फ यही कन्फ्यूजन थी कि पढ़ना कैसे है, मतलब किताबें कौन सी पढ़नी है ना, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, आप स्पीकिंग करो स्पीकिंग करो, तो आई वुड सजेस्ट लाइक इफ समवन इज वॉचिंग वो नया नया डाउ में आया ये, तो आई थिंक उसको गिव टाइम टू एवरी बुक, ठीक है, यू विल नो कि आपकी किसके साथ मतलब किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, कुछ लोगों को गाइडन बहुत अच्छी लगती है, मुझे जहर लगती है गाइडन, ठीक है मुझे अच्छी है पर आपके ऊपर टाइम उतना दे पाऊं लिटरली इतनी मोटी बुक या मुझे आसान लगती है मतलब पढ़ने रीड करने में आसान लगती है एज कंपेयर टू, क्योंकि शॉर्ट बुक की तरफ जाऊँ ना तो मुझे मुश्किल गाइडन का अच्छी बुक है वो नहीं मैं कह रहा गाइडन का पता मसला जो मुझे लगता है मसला गाइडन लंबी है टाइम के ऊपर है उस गाइडन का जो मसला ये है बहुत अच्छा लिखा हुआ है गाइडन में ना वो एक बात लिखी होती है जैसे एक चीज बताई यहाँ पे ऐसा होता है थोड़ी देर बाद आगे बताया होगा कि पीछे हमने पूरा ये बताया था ठीक है फिर आगे बताया होगा हमने ये बात यहाँ पे ये पूरी फिर बताई तो एक बात को इतनी बार किया होगा उसने याद हो जाती है टाइम फिर स्टिल टाइम के ऊपर डिपेंड करता है आपको टाइम कितना दे सकते हैं। अच्छा आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको वीडियो से ज्यादा जल्दी लर्न हो जाता है लाइक मुझे जब तक कोई विजुअली कोई चीज नहीं दिखेगी ना मुझे कभी भी समझ नहीं आएगी चाहे मैं कितनी दफा पढ़ लूँ सो लाइक चूज योर ओन स्टाइल लाइक देयर इज नो राइट वे टू स्टडी द ओनली राइट वे इज योर वे ठीक है आप किस पे सूट करते हैं जो आपका सूट करे वो आपको फिगर आउट करने में टाइम लगेगा सो जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ लाइक कोई जल्दबाजी नहीं करनी लाइक जस्ट हो जाएगा टेंशन नहीं लो हाँ इंशाल्लाह ये मेरा यही है मेरा जाएगी से मुझे प्रॉब्लम आई थी वो टाइम मैनेजमेंट की आई थी शुरू शुरू बहुत टाइम मैनेजमेंट तो मैं आती थी और मेरे स्पेशली ये बहुत होता है कि एवरीबॉडी हमें पता है कि डाओ में वैसे भी माशाल्लाह सारी बहुत नर्ड्स टाइप बच्चे आते हैं बट एवरीबॉडी इज सो इतना ज्यादा कंपटीशन होता है यू फील लाइक दैट यू आर डूइंग नथिंग ऑनलाइन क्लास हो रही है बच्चे एक्स्ट्रा जवाब दे रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने पढ़ा है तो वो जवाब पीयर प्रेशर है हाँ पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है डाओ में ये है ये लेकिन यार डोंट लेट इट गेट टू योर हेड हाँ कुछ नहीं होता एट द एंड सब के पर आई फील लाइक कि अगर आप डाओ में मेरिट पे चले गए ना तो आप उस पीयर प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं बिकॉज यू आर कैपेबल आप अगर उस जगह जा चुके हैं ना तो आप इतने कैपेबल हैं मतलब मैंने आपको बताया ना कुछ लोग मेहनत करके प्रेशर के फैमिली प्रेशर चले जाते हैं कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं उनको लगता है मैं डाउन में आ गया पता नहीं क्या चीज है दे आर लाइक चलो बस हो जाएगा अब सिर्फ पास होना है अब उनका वो नहीं गोल रहता है यार मुझे 4G पे चाहिए दे आर लाइक या पास होने बस अब तो MBBS सर बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ना बाद में कॉल्स पे या मैसेजेस पे या वैसे कि जो जानने वाले हैं डिफरेंट वो लोग पूछते हैं कि भाई मेडिकल में आगे क्या GPA मैटर करती है क्या ऑफ कोर्स करती है ऑफ कोर्स करती है I've heard कि 50 में बहुत मैटर करती है जैसे मैं अपनी बहनों की बात करूं तो दे अप्लाइड इन AKU ठीक है तो AKU ने AKU के अलावा AKU में करती है नहीं नहीं लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर MBBS आफ्टर MBBS AKU में करती है उसके अलावा उसके अलावा भी आई गेस आई हैव हर्ड कि उसके अलावा अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं ना तो बाहर इतनी ज्यादा नहीं करती नहीं और सिविल हॉस्पिटल में जो होते हैं ना हमारे जो हाउस जॉब की रैंकिंग सिस्टम होता है डेफिनेटली किस बेस पे आपको जज करेंगे आपको GPA के बेस पे जज करेंगे क्या ये बच्चा इतना लाइक है कि इतना लाइक है MBBS की बात कर रहे हैं आफ्टर MBBS टेस्ट होता है आप पार्ट 1 का एग्जाम देंगे सीवी के लिए पार्ट 1 का एग्जाम देंगे पार्ट 1 एग्जाम दे दिया सब सेम तो अगर आपको GPA मेंटेन रहेगा तभी तो आई फील लाइक तभी तो आप पास कर पाएंगे सपोज एक 2% वाले बच्चे के लिए एंड देन आई फील लाइक ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब 3 से नीचे चले हैं 3 से आप 3 आप मिनिमम रखें अगर आप मेडिकल अच्छा करना चाह रहे हैं मिनिमम 3 रखें लेकिन अगर आपका वो है कि
आफ्टर एम बी बी एस अगर आपका पार्ट वन क्लियर हो गया या आपने कोई बाहर का कोई प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर लिया है, सो आप एक बंदा 3.6 जीपीए वाला 7-8 जीपीए वाला पार्ट वन क्लियर और एक 3.4 जीपीए वाला 2-3 वाला क्लियर है, तो दोनों सेम है ऑलमोस्ट एट दम, क्योंकि दोनों पार्ट वन क्लियर हैं। फिर उसके बाद जो आपका मैटर करता है वो आपका उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का टेस्ट होता है आपका, अगर कोई रेजिडेंसी आप में से आपके घर वालों ने किसी देखा हो या जो उसने की हो, तो पार्ट वन के बाद भी आपका सिविल के लिए अलग टेस्ट होता है, जिना के लिए अलग टेस्ट, तो आपको फिर वो उनके अपने टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। सो वही बात है कि आपकी जीपीए अच्छी होगी तो वो भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली इस तरह मैटर करता है, लेकिन डायरेक्टली वो मैटर नहीं करता। अगर मैं बात करूँ ना डाउ की, डाउ में जीपीए लाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लाइक सही थी बात है, नहीं मुश्किल लाना, आई एम नॉट किडिंग, मैं भी सेम, मैं कह रही ना, like, भी। क्योंकि हमें पता ना क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। अगर मैं स्टेप वन के क्वेश्चन को बैक करूँ डाउ गेम से, आर यू गाइस कंफर्टेबल विद शेयरिंग कि आप लोगों की क्या जीपीए चल रही है फिलहाल? अभी हमारा रिजल्ट ही नहीं आया ना, मॉड्यूल तो होंगे, मॉड्यूल यही बताइए, मॉड्यूल का स्कोर ही नहीं पता, पास फेल पता चलता है, सिर्फ पास, हां नहीं ग्रेड, हमें सिर्फ दो मॉड्यूल के पता चले थे स्कोर्स, तीन लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है। डाओ में बहुत कुछ कहते हैं, डाओ वाले कहते कुछ है करते अपनी है, ठीक है, मतलब डोंट बिलीव डाओ, इफ यू आर इन डाओ डोंट ट्रस्ट देम, कुछ भी हो सकता है आपको, आपको कभी भी सरप्राइज मिल जाएगा। सो लाइक हाँ, और क्या पूछा था आपने? ब्लैंक हो गया, जीपीए का पूछा था मैंने, आएगी अभी तो इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, आई गेस नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ तक हमें सिर्फ वो पता चलेगा पास फेल स्कोर, आई गेस मार्च तक पता चलेगा हमें, सही या आई डोंट नो, आई गेस पॉडकास्ट मार्च में शायद अपलोड हो तो उस वक्त आप लोगों को आ चुका हो। सो दिस रैप्स अप आवर कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, और अगर आपको किसी को डाओ के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम हैंडल ऐड कर दूंगा, सो आप प्लीज़ आप हेल्प कर दिएगा जो भी आपसे कोई डाओ के रिलेटेड कुछ पूछे तो। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस, थैंक यू सो मच।